छठी विकेट इस मैच में 115 पे, सातवीं 115 पे और आठवीं 116 के ऊपर। गेंदबाजी में रिचर्ड एंगवारा ने 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट्स निकाले। फिर आप लोगों को ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट्स निकाले। फिर आप लोगों को गेंदबाजी करने उतरे तीसरे गेंदबाज ट्रेवर ग्वांडू, और ग्वांडू ने आज के इस मैच में दोस्तों 3 ओवर में 38 रन दिए, कोई सफलता नहीं। और सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट निकाले। रायन बर्ल ने 2 ओवर में 13 देके कोई सफलता नहीं निकाली। और शॉन विलियम्स ने दोस्तों 3 ओवर में 18 देके 1 विकेट निकाला। और पावर प्ले में दोस्तों 52 रन बने, कुल मिला के 20 ओवर में आयरलैंड 147 रन बनाई। 148 रनों का लक्ष्य जो है दोस्तों वो इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम को दिया गया है। तो अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या जिम्बाब्वे 148 रनों के इस लक्ष्य को पीछा कर पाएगी। आइए देखते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे की तरफ से बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं इस मैच में ओपनिंग करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से इस मैच में जो खिलाड़ी ओपनिंग करने आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब नजर आ रहे होंगे। ओपनिंग बल्लेबाजी में दोस्तों सिकंदर रजा जो हैं वो ओपनिंग करेंगे। सिकंदर रजा के साथ इस मुकाबले में दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाजी में जो खिलाड़ी नजर आएंगे वो ब्रायन बेनेट नजर आने वाले हैं। ब्रायन बेनेट के बाद इस मैच में दोस्तों नंबर 3 की पोजीशन पे मारू मानी नजर आएंगे। नंबर 4 की पोजीशन पे दोस्तों शॉन विलियम्स नजर आएंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज। नंबर 5 की पोजीशन पे दोस्तों नजर आएंगे बाएं हाथ के रायन बर्ल। नंबर 6 के ऊपर दाएं हाथ के वेस्ली माधवीरा दोस्तों बल्लेबाजी करेंगे। नंबर 7 की पोजीशन पे क्लाइव मंडांडी बल्लेबाजी करेंगे। नंबर 8 की पोजीशन पे लूक जोंगवे दोस्तों बल्लेबाजी नजर आएंगे करते हुए। नंबर 9 की पोजीशन पे आपको ग्वांडू बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 10 की पोजीशन पे रिचर्ड एंगवारा और नंबर 11 पे। तो ग्वांडू की आखिरी ओवर में दोस्तों कुल मिला के 20 रन बना लिए हैं, और ये जो आखिरी गेंद थी वो थोड़ी सी शॉर्ट थी, इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज बैकफुट पे खड़े होके, और जिस तरीके से इस ओवर की शुरुआत की थी छक्के के साथ तीसरी गेंद पे, कुछ वैसा ही शॉर्ट खेल का बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर लगा दिया है 6 रन के लिए। पहली पारी आयरलैंड की समाप्त होती हुई 147 रन बने 8 विकेटों के नुकसान के बाद 148 रनों की आवश्यकता। ग्वांडू के आखिरी ओवर में कुल मिला के 20 रन जो हैं दोस्तों वो बने हैं, और 20 ओवर में 147 रन 8 विकेटों के नुकसान के बाद 148 रनों की आवश्यकता है जिम्बाब्वे की टीम को। मुश्किल होगा, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि स्पिन गेंदबाजों की गेंदें रुक रुक कर फंस फंस कर आ रही हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इस मैच के बारे में पूरा हाल बता दूं। तो आज जब दोस्तों टॉस हुआ आज शाम को, तो टॉस के ऊपर बाजी मारी आज के इस मुकाबले में आयरलैंड के सामने जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान ने। जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। जब बल्लेबाजी करने उतरे दोस्तों आयरलैंड की टीम के ओपनर्स, तो एंड्रयू बालबर्नी ने 25 गेंदों में 32 रन बनाए। पॉल स्टर्लिंग ने 14 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए। नंबर 3 की पोजीशन पे लॉर्केन टक्कर ने 19 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाए, एक चौका मारा। लॉर्केन टक्कर के बाद हैरी टेक्टर ने दोस्तों 24 रनों की पारी 21 गेंदों में खेली। फिर आए कर्टिस कैम्फर, 6 गेंदों में 8 रन बनाए, अपनी विकेट गवा के चलते बने। जॉर्ज डॉक्रेल ने 8 गेंदों के ऊपर 4 रन बनाए। मार्क अडेयर ने 12 गेंदों के ऊपर 7 रनों की पारी खेली। गैरेथ डिलेनी ने दोस्तों इस मैच में 11 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसमें एक आखिरी गेंद पर भी छक्का शामिल था डिलेनी की बल्लेबाजी में। और डिलेनी के उस छक्के के अलावा बैरी मकार्थी ने दोस्तों इस मैच में 1 रन बनाया, और अंत में क्रेग यंग ने 6 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाए। 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिले, 3 लेग बाई के रूप में, 2 वाइड के रूप में, और आप लोगों को बता दें एक्स्ट्रास के रूप में 5 रन मिले। फॉल ऑफ विकेट्स के अंदर पहली विकेट इस मैच में 44 पे गिरी, दूसरी विकेट 53 रन पे गिरी, तीसरी विकेट 84 रनों के ऊपर गिरी, चौथी विकेट इस मुकाबले में गिरी आपको 97 पे, पांचवी 107 रन के ऊपर गिरी, छठी विकेट इस मैच में 115 पे, सातवीं 115 पे और आठवीं 116 के ऊपर। गेंदबाजी में रिचर्ड एंगवारा ने 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट्स निकाले। फिर आप लोगों को ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट्स निकाले। फिर आप लोगों को गेंदबाजी करने उतरे तीसरे गेंदबाज ट्रेवर ग्वांडू,
और ग्वांडू ने आज के इस मैच में दोस्तों 3 ओवर में 38 रन्स दिए, कोई सफलता नहीं। और सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 28 रन्स देके 3 विकेट निकाले। रायन बर्ल ने 2 ओवर में 13 देके कोई सफलता नहीं निकाली। और शॉन विलियम्स ने दोस्तों 3 ओवर में 18 देके 1 विकेट निकाला। और पावर प्ले में दोस्तों 52 रन्स बने, कुल मिला के 20 ओवरों में आयरलैंड 147 रन्स बनाई। 148 रनों का लक्ष्य जो है दोस्तों वो इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम को दिया गया है। तो अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या जिम्बाब्वे 148 रनों के इस लक्ष्य को पीछा कर पाएगी, आइए देखते हैं। क्योंकि जिम्बाब्वे की तरफ से बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नज़र आ रहे हैं इस मैच में ओपनिंग करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से इस मैच में जो खिलाड़ी ओपनिंग करने आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब नज़र आ रहे होंगे। ओपनिंग बल्लेबाजी में दोस्तों सिकंदर रजा जो हैं वो ओपनिंग करेंगे। सिकंदर रजा के साथ इस मुकाबले में दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाजी में जो खिलाड़ी नज़र आएंगे वो ब्रायन बेनेट नज़र आने वाले हैं। ब्रायन बेनेट के बाद इस मैच में दोस्तों नंबर 3 की पोजीशन पे मारू मानी नज़र आएंगे। नंबर 4 की पोजीशन पे दोस्तों शॉन विलियम्स नज़र आएंगे, बाएँ हाथ के बल्लेबाज। नंबर 5 की पोजीशन पे दोस्तों नज़र आएंगे बाएँ हाथ के रायन बर्ल। नंबर 6 के ऊपर दाएं हाथ के वेस्ली माधवीरा दोस्तों बल्लेबाजी करेंगे। नंबर 7 की पोजीशन पे ग्लाइव मंडांडी बल्लेबाजी करेंगे। नंबर 8 की पोजीशन पे लूक जोंगवे दोस्तों बल्लेबाजी नजर आएंगे करते हुए। नंबर 9 की पोजीशन पे आपको ग्वांडू बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 10 की पोजीशन पे रिचर्ड एंगवारा और नंबर 11 पे तो ग्वांडू की आखिरी ओवर में दोस्तों कुल मिला के 20 रन्स बना लिए हैं। और ये जो आखिरी गेंद थी वो थोड़ी सी शॉर्ट थी, इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज बैकफुट पे खड़े होके, और जिस तरीके से इस ओवर की शुरुआत की थी छक्के के साथ तीसरी गेंद पे, कुछ वैसा ही शॉट खेल का बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर लगा दिया है 6 रन्स के लिए। पहली पारी आयरलैंड की समाप्त होती हुई 147 रन्स बने 8 विकेटों के नुकसान के बाद 148 रनों की आवश्यकता। ग्वांडू के आखिरी ओवर में कुल मिला के 20 रन्स जो हैं दोस्तों वो बने हैं, और 20 ओवरों में 147 रन 8 विकेटों के नुकसान के बाद 148 रनों की आवश्यकता है जिम्बाब्वे की टीम को। मुश्किल होगा क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि स्पिन गेंदबाजों की गेंदें रुक रुक कर फंस फंस कर आ रही हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इस मैच के बारे में पूरा हाल बता दूँ। तो आज जब दोस्तों टॉस हुआ आज शाम को, तो टॉस के ऊपर बाजी मारी आज के इस मुकाबले में आयरलैंड के सामने जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान ने। जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। जब बल्लेबाजी करने उतरे दोस्तों आयरलैंड की टीम के ओपनर्स तो एंड्रयू बालबर्नी ने 25 गेंदों में 32 रन्स बनाए। पॉल स्टर्लिंग ने 14 गेंदों के ऊपर 10 रन्स बनाए। नंबर 3 की पोजिशन पर लॉर्केन टक्कर ने 19 गेंदों के ऊपर 21 रन्स बनाए, 1 चौका मारा। लॉर्केन टक्कर के बाद हैरी टेक्टर ने दोस्तों 24 रनों की पारी 21 गेंदों में खेली। फिर आए कर्टिस कैम्फर, 6 गेंदों में 8 रन्स बनाए, अपनी विकेट गवा के चलते बने। जॉर्ज डॉक्रेल ने 8 गेंदों के ऊपर 4 रन्स बनाए। मार्क अडेयर ने 12 गेंदों के ऊपर 7 रनों की पारी खेली। गैरेथ डिलेनी ने दोस्तों इस मैच में 11 गेंदों के ऊपर 26 रन्स बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसमें 1 आखिरी गेंद पर भी छक्का शामिल था डिलेनी की बल्लेबाजी में। और डिलेनी के उस छक्के के अलावा बैरी मकार्थी ने दोस्तों इस मैच में 1 रन बनाया। और अंत में क्रेग यंग ने 6 गेंदों के ऊपर 8 रन्स बनाए। 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिले, 3 लेग बाई के रूप में, 2 वाइड के रूप में, और आप लोगों को बता दें एक्स्ट्रास के रूप में 5 रन्स मिले। फॉल ऑफ विकेट्स के अंदर पहली विकेट इस मैच में 44 पे गिरी, दूसरी विकेट 53 रन्स पे गिरी, तीसरी विकेट 84 रनों के ऊपर गिरी, चौथी विकेट इस मुकाबले में गिरी आपको 97 पे, पांचवी 107 रन्स के ऊपर गिरी, छठी विकेट इस मैच में 115 पे, सातवीं 115 पे और आठवीं 116 के ऊपर। गेंदबाजी में रिचर्ड एंगवारा ने 4 ओवर में 23 रन्स देके 2 विकेट्स निकाले। फिर आप लोगों को ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर में 24 रन्स देके 2 विकेट्स निकाले। फिर आप लोगों को गेंदबाजी करने उतरे तीसरे गेंदबाज ट्रेवर ग्वांडू, और ग्वांडू ने आज के इस मैच में दोस्तों 3 ओवर में 38 रन्स दिए, कोई सफलता नहीं। और सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 28 रन्स देके 3 विकेट निकाले। रायन बर्ल ने 2 ओवर में 13 देके कोई सफलता नहीं निकाली। और शॉन विलियम्स ने दोस्तों 3 ओवर में 18 देके 1 विकेट निकाला। और पावर प्ले में दोस्तों 52 रन्स बने, कुल मिला के
20 ओवर में आयरलैंड 147 रन बनाई। 148 रनों का लक्ष्य जो है दोस्तों वो इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम को दिया गया है। तो अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या जिम्बाब्वे 148 रनों के इस लक्ष्य को पीछा कर पाएगी। आइए देखते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे की तरफ से बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं इस मैच में ओपनिंग करने के लिए। तो लेके चलते हैं आप लोगों को मैच की तरफ, क्योंकि खेल दोस्तों जो है वो अब शुरू होने जा रहा है इस मैच के अंदर दूसरी पारी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। 147 रन बना पाई आयरलैंड इस मैच में, 148 रनों का लक्ष्य दिया गया है, और 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहां पर जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से उतर चुके हैं। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि दोस्तों जिम्बाब्वे में कौन आखिरकार ओपनिंग करने के लिए उतर रहा है। 120 गेंदों में 148 रन चाहिए, जो कि मुश्किल टास्क ज़रूर है। सलामी बल्लेबाजी में दोस्तों खिलाड़ी जो हैं वो आ चुके हैं, और वेस्ली माधवीरा के साथ आज इस मैच में कौन ओपनिंग उतरा है ये अभी हम देख रहे हैं। तो वेस्ली माधवीरा 58 मैचेस में 999 रन बना चुके हैं T20 इंटरनेशनल्स में, 123 का स्ट्राइक रेट है, और उनके साथ मारूमानी जो हैं वो ओपनिंग में इस मैच के अंदर दोस्तों उतर गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी इस मैच में एज अ ओपनर के गेंद, और सामने दोस्तों दाएं हाथ के वेस्ली माधवीरा तैयार नजर आ रहे हैं, और गेंदबाजी में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं मार्क अटेयर। 72 मैचेस में 98 T20 विकेट आपको ये ले चुके हैं। पहली गेंद लेकर आने के लिए वेस्ली माधवीरा तैयार नजर आ रहे हैं। मार्क अडेयर की ये पहली गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए है, ओवर द विकेट से वेस्ली माधवीरा के लिए। ये पहली गेंद आती हुई शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पर डीप थर्ड विन बाउंड्री की तरफ गाइड कर दिया है एक रन के लिए। गेंद अच्छी थी, अच्छा शॉट था बल्लेबाज के द्वारा डीप थर्ड विन बाउंड्री की तरफ, केवल और केवल खेल कर इन्होंने सिंगल बटोर लिया है। और अब हम स्कोर की बात कर रहे थे तो स्कोर जो है वो दोस्तों पहला रन आ चुका है। तो जिम्बाब्वे ने पहला रन बना लिया है पहली ही गेंद के ऊपर, और दूसरी गेंद मार्क अडेयर लेकर आने के लिए तैयार बाएं हाथ के मारूमानी के लिए। सिकंदर रजा इस सीरीज के पहले दोस्तों हम देखेंगे तो आप लोगों को ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन इस सीरीज की शुरुआत के ऊपर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि सिकंदर रजा ने अपने आप को नीचे उतार लिया है। अब इसके पीछे दोस्तों क्या कारण है वो सिकंदर रजा ही बता सकते हैं। एक स्लिप के साथ शॉर्ट बॉल, अंदर आती हुई गेंद, पुल मारने की कोशिश, रन आउट करने का प्रयास किया गया, बल्ले पे गेंद लगी, हाथों में लगी गेंद वहीं ठहर गई, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर दोस्तों ये एक रन जो है वो चुरा लिया है। अगर डायरेक्ट हिट लग जाता वहां स्वीपर कवर के फील्डर का तो ये रन आउट हो जाते, लेकिन थोड़ी सी देरी करती दोस्तों वहां कवर के फील्डर ने दौड़कर आके गेंद को फील्ड करके थ्रो करने में, और जिम्बाब्वे ने यहां दूसरा रन भी बटोर लिया है। तो दो गेंदे दो रन्स, रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतर नजर आ रहा है। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार एक स्लिप के साथ शॉर्ट बॉल, मिड ऑन के ऊपर से पुल शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, वेस्ली माधवीरा के बल्ले से इनका पहला चौका आता हुआ। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी मार्क अडेयर की तरफ से दाएं हाथ के बल्लेबाज माधवीरा के लिए, और माधवीरा ने इस गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट, और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर निकल गई दो टप्पा खाने के बाद चार सुंदर रनों के लिए। और जिम्बाब्वे 6 रन्स पे पहुंच चुकी है, कोई विकेट नहीं 3 गेंदों की समाप्ति पर। वेस्ली माधवीरा 2 गेंदे 5 रन्स बना चुके हैं फिलहाल। दाएं हाथ से ये फुलर लेन डिलीवरी, इन स्विंग होती हुई अंदर आती हुई गेंद, पैरों पर फ्लिक करने की कोशिश, गेंद जाती हुई स्क्वेले की दिशा में 30 गज के घेरे में, एक रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि 30 गज के ऊपर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके सीधा स्टंप्स पे थ्रो किया, और रन इस गेंद के ऊपर दोनों बल्लेबाजों को नहीं मिलेगा। जिम्बाब्वे 6 रन्स के ऊपर 4 गेंदों के समाप्ति पे हो चुका है। मार्क अडेयर की आखिरी की 2 गेंदे इस ओवर में मौजूद हैं। वेस्ली माधवीरा 3 गेंदे, अब तक 5 रन्स वेस्ली माधवीरा के नाम। मार्क अडेयर की ये सेकेंड लास्ट बॉल दाएं हाथ के बल्लेबाज को, ये शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, इन स्विंग होती हुई गेंद अंदर की तरफ आई, हल्का सा ऑफ स्टंप पर शफल करके इस गेंद को ऑन साइड में गेंद को ढकेल देंगे।
गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में एक रन की कोशिश, एक रन के साथ जिम्बाब्वे 7 रनों के ऊपर पहुंचा, कोई विकेट नहीं 5 गेंदों की समाप्ति पर। आखिरी गेंद मार्क अडेयर लेकर आ रहे हैं बैटिंग क्रीज पे। दोस्तों बाएं हाथ के मारुमानी जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। एक गेंद पे मारुमानी ने 1 रन बनाया है, वेस्ली माधवीरा ने 4 गेंदों पे 6 रन बनाए हैं। ओवर द विकेट से मार्क अडेयर की गेंद, ओ कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश मारुमानी की तरफ से, लेकिन मार्क अडेयर ने बीट किया बाएं हाथ के बल्लेबाज को और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, पहले के बाद 7 जिम्बाब्वे, कोई विकेट नहीं। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 रन बन चुके हैं इस मैच में। 7 रन बना के दोस्तों इस टीम ने अब तक कोई विकेट जो है वो नहीं गंवाया है। मारुमानी ने 2 गेंदों के ऊपर 1 रन अब तक बनाया है और मारुमानी का ये ओवर जो है वो हम देख पा रहे हैं कि अब समाप्त हो चुका है। तो मारुमानी के ओवर की समाप्ति के बाद अगले ओवर की शुरुआत करने के लिए नए गेंदबाज आ रहे हैं। ग्वांडू इस समय तैयार नजर आ रहे हैं, इसके बाद बैटिंग करने आने के लिए नहीं है। इसके बाद नंबर 3 की पोजीशन पे शॉन विलियम्स को मैं देख पा रहा हूं, जो कि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों जो है वो आएंगे। अच्छे खिलाड़ी हैं शॉन विलियम्स। और ये अगली गेंद बाएं हाथ के जोशुआ लिटिल आ रहे हैं करने के लिए। जोशुआ की गेंद शॉट ऑफ स्टंपर और इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद बल्ले पे टकराई और गेंद जाती हुई स्वीपर कवर के पास, और बाकी का कार्य स्वीपर कवर के फील्डर ने इस गेंद को अपनी बाईं तरफ जाके कर लिया है। 1 रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लेने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये डॉट डिलीवरी जो है वो आ गई है इस नए ओवर की शुरुआत पर, इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर। अगली गेंद लेके चले ये गेंदबाज और बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देख पा रहे हैं बल्लेबाज जो हैं दोस्तों वो तैयार नजर आ रहे हैं। बाएं हाथ से जोशुआ लिटिल, पुलर लेन डिलीवरी ऑफ स्टंप पर ड्राइव कर दिया, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और मिड ऑफ के पास ये गेंद पहुंच गई है। बचा हुआ कार्य दोस्तों मिड ऑफ के फील्डर ने किया है। रन लेने का कोई मौका इस दूसरी गेंद के ऊपर गेंदबाज जोशुआ लिटिल जो है वो नहीं देंगे। तो बाएं हाथ से जोशुआ लिटिल इस ओवर की तीसरी गेंद। और वेस्ली माधवीरा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इस समय 6 गेंदों के ऊपर 6 रन अब तक इस खिलाड़ी ने जो है वो अब तक बना लिया है। ये बाएं हाथ से जोशुआ लिटिल की अगली गेंद आती हुई, दाएं हाथ के बल्लेबाज को शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, इन स्विंग होती हुई गेंद अंदर की तरफ आ गई, आखिरी समय के ऊपर बैक फुट पे जाके पंच कर दिया और गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कोई रन नहीं इस तीसरी गेंद पे, एक और डॉट डिलीवरी। तो 3 गेंदें जोशुआ लिटिल के इस ओवर में अभी भी मौजूद हैं और वेस्ली माधवीरा जो कि मौजूद नजर आ रहे हैं 6 रन बना के, और वेस्ली माधवीरा ने अब तक कुल मिला के 7 गेंदों का सामना कर लिया है। बाएं हाथ से ये अगली गेंद शॉट ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया, गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने जो है दोस्तों वो अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रोटेट कर लिया है। तो 8 रन जिम्बाब्वे और 8 रन पे कोई विकेट अब तक इस खेल में नहीं गई है 1.4 गेंदों की समाप्ति पर। बाएं हाथ से अगली गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज और बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देख पा रहे हैं दोस्तों बल्लेबाजी में मारुमानी है। मारुमानी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मारुमानी ने अब तक फिलहाल इस मैच में 2 गेंदों के ऊपर 1 मात्र रन जो है वो बनाया है। ओवर द विकेट से ये अगली गेंद लेकर जोशुआ लिटिल, बाएं हाथ के बल्लेबाज मारुमानी के लिए इस ओवर की 5वीं गेंद आती हुई, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, एक मिड ऑफ के पास फील्डर लगाया जा रहा है, एक लॉन्ग ऑफ के पास फील्डर को लगाया जा रहा है और एक हम देखेंगे तो स्क्वेयर लेग बाउंड्री के पास को जो है वो फील्डर लगाया जा रहा है। पैरों पर ये गेंद, इन स्विंगिंग गेंद को फ्लिक किया शॉर्ट फाइन लेग के पास और शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर जो मौजूद थे दोस्तों वो इस गेंद को फील्ड कर लेंगे। रन लेने का कोई मौका इस गेंद के पर ये गेंदबाज नहीं देंगे। अच्छी गेंद थी, तेजी के साथ इन स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आ गई थी, क्लिक कर दिया था गेंद को, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंच गई और बचा हुआ कार्य दोस्तों शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने कर लिया। अब आखिरी गेंद जोशुआ लिटिल के इस ओवर में आने जा रही है। आइए देखते हैं दोस्तों जोशुआ लिटिल के इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर कहां खेलते हैं शॉट को, इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए खिलाड़ी तैयार।
बाएं हाथ से शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, लेकिन किनारा छोड़कर ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच गई है। ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद के ऊपर दोबारा बाल बाल बच गए, क्योंकि लगा कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में जाने ही वाली है, लेकिन बाल बाल बच गए और ओवर की समाप्ति 2/8, जिम्बाब्वे कोई विकेट नहीं इस मैच में। ओवर की समाप्ति इसी बीच हो गई है, तो यहाँ एक और ओवर जो है वो समाप्त होता हुआ, एक और ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर नजर आ रहा है वह है 8 runs और 8 रनों के ऊपर फिलहाल कोई विकेट नहीं जिम्बाब्वे। बैरी मकार्थी आ गए हैं दोस्तों, नए गेंदबाज जो कि तेज गेंदबाज हैं, तो बैरी मकार्थी अपना ये नया ओवर शुरू करने आ रहे हैं। तेज गेंदबाज हैं बैरी मकार्थी और फील्डिंग की सजावट अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो एक फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, एक डीप थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद और ये पहली गेंद दाएं हाथ के फ्लिक कर दिया स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से एक टप्पा खाने के बाद स्क्वेयर लेग सीमा रेखा की तरफ 4 runs के लिए। बैरी मकार्थी की बहुत ही खराब गेंद थी, पैरों पर फ्रंट फुट पे आकर ऑन साइड में गेंद को फ्लिक किया था, स्क्वेयर लेग बाउंड्री के पास एकमात्र फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से उठाकर मारा गया, ये स्ट्रोक था, अगेन स्क्वेयर लेग सीमा रेखा के बाहर निकल गई और ये पूरे के पूरे जो है वो 4 runs मिल गए हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों मौजूद नजर आ रहे हैं तैयार, और ये दूसरी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी उछाल लेने के बाद। आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने अपने फ्रंट फुट को सामने की तरफ निकाल के गेंद को ड्राइव कर दिया है और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंच गई, बचा हुआ कार्य मिड ऑफ के फील्डर ने कर लिया है, रन लेने का मौका इस दूसरी गेंद के ऊपर ये गेंदबाज नहीं देंगे। अगली गेंद और तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज बैरी मकार्थी। बैरी मकार्थी की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अब तक 2 गेंदें इन्होंने फेंकी हैं और ये अगली गेंद ओवर द विकेट से शॉर्ट ऑफ स्टंप पर इन स्विंग होती हुई गेंद अंदर की तरफ आई, बैक फुट पे गए, ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंच गई, बचा हुआ कार्य मिड ऑफ के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर के अंदर जो है दोस्तों मौजूद नजर आ रही हैं। बैटिंग पे तैयार हैं दाएं हाथ के वेस्ली माधवीरा, और वेस्ली माधवीरा ने अब तक 11 गेंदों के ऊपर 11 runs बनाए हैं। मारुमानी ने 4 गेंदों के ऊपर 1 run बनाया है। बैरी मकार्थी की यह तीसरी गेंद आती हुई ओवर द विकेट से, फील्डिंग की सजावट, एक स्लिप नजर आ रहा है अभी भी दोस्तों वेस्ली माधवीरा के लिए, और एक लॉन्ग ऑन एक स्क्वायर लेग ऑफ स्टंप के बाहर, फुलर लेन डिलीवरी, खूबसूरत ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ने बड़ी तेजी के साथ गेंद के पीछे दौड़ लगाई है और जब तक इस गेंद को कवर बाउंड्री के पास दौड़ के फील्ड करके थ्रो कर पाते विकेट कीपर की तरफ, दो रन इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए हैं। ये थोड़ी सी अलग अंग्रेजी थी दोस्तों, तब तरह 3 runs पूरे कर लिए हैं, एक्चुअली में ये तीसरा रन भी पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। इस खूबसूरत ड्राइव पे 3 runs मिले, आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है, अन्यथा दोस्तों अगर ये किसी और ग्राउंड पे होता तो ये 4 runs जरूर मिल जाते हैं, लेकिन अब 3 runs के साथ ही संतुष्टि मिलेगी। स्कोर जो है वो इस समय 15 runs जिम्बाब्वे, कोई विकेट नहीं, 2.4 गेंदों की समाप्ति पर। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं इस ओवर की 5वीं गेंद, और ये शॉर्ट बॉल थी अपर कट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहाँ कोई संपर्क नहीं हुआ है और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची, बचा हुआ कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया, रन लेने का कोई मौका इस गेंद के ऊपर नहीं देंगे। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर के अंदर लेकर चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं बैरी मकार्थी की ये गेंद, और बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देख रहे हैं कि दोस्तों बल्लेबाज जो हैं वो मारुमानी तैयार नजर आ रहे हैं। मारुमानी ने अब तक 5 गेंदें खेली हैं और लगातार केवल बीट हो रहे हैं। मारुमानी इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहे हैं, केवल बीट हो रहे हैं। एक मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं, एक मिड ऑन पे फील्डर मौजूद 30 गज के घेरे में, एक थर्ड मैन बाउंड्री और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद। मारुमानी इस बार शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी के ऊपर पुल मारने की कोशिश, लेकिन मिडॉन पर 30 गज के घेरे में एकमात्र फील्डर मौजूद था और उन्होंने कोई गलती नहीं की, मिडॉन की दिशा में एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ के जिम्बाब्वे ने 15 रनों के ऊपर अपना पहला विकेट गंवा दिया है तीसरे ओवर की समाप्ति पर।
तो पुल शॉट मारने की कोशिश थी, लेकिन गेंद जो है बल्ले पर टकरा के सीधा मिडॉन के पास पहुंच गई है। तो 15-1 तीन ओवर्स के बाद। तो दोस्तों तीन ओवर का खेल जो है वो अब समाप्त हो चुका है और 15 runs पे 1 wicket जिम्बाब्वे। बैरी मकार्थी ने अपने पहले ओवर में कुल मिला के केवल 7 runs दिए। मारुमानी जो कि पता नहीं क्यों खेल रहे थे इस मैच में, वो आउट होकर दोस्तों वापस पवेलियन जा चुके हैं। अगले बल्लेबाज नंबर 3 की पोजीशन पे आ चुके हैं बाएं हाथ के शॉन विलियम्स। शॉन विलियम्स आप लोगों को बता दें कि जो हैं वो अच्छे बल्लेबाज हैं और शॉन विलियम्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये खिलाड़ी जो हैं बहुत बहुत दिनों से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अगली गेंद और बैरी मकार्थी के इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर दोस्तों आप लोगों को बता दें कि विकेट मिली और अब बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों जो है वो वेस्ली माधवीरा नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप पर थी, डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ इस बार गाइड किया है। फील्डर वहां मौजूद है डीप थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में 1 run के लिए। 1 run के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर लिया। गेंद अच्छी थी जोशुआ लिटिल की। 1 run के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है दोस्तों वो रोटेट कर लिया है। अगली गेंद जोशुआ लिटिल की, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, 1 run लेने में कामयाब हो गए पहली गेंद पर और 1 run के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने जो है दोस्तों वो अब रोटेट कर ली है। जहां अगली गेंद बाएं हाथ के जोशुआ लिटिल की आती हुई, बैटिंग क्रीज पे बाएं हाथ के शॉन विलियम्स तैयार हैं। विकेट की आवश्यकता, शॉर्ट बॉल लेग स्टंप पे थी, टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी लेग स्टंप के और अंपायर ने ये वाइड गेंद का इशारा जो है दोस्तों वो करार दिया है। लेग स्टंप के ये गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी वाइड बॉल का इशारा। 17-1 है जिम्बाब्वे। अगली गेंद जोशुआ लिटिल की, सामने शॉन विलियम्स मौजूद हैं। कोई रन अब तक दोस्तों शॉन विलियम्स ने अब तक नहीं बनाया है इस मैच में। ओवर द विकेट्स हैं और बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों ये खिलाड़ी तैयार नजर आ रहे हैं तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। लेग स्टंप पर थी, शॉन विलियम्स ने बैकफुट पे खड़े होकर सामने की तरफ गेंद को ढकेला बैक टू द बॉलर। बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड कर लिया है। अभी भी इस ओवर में 4 और गेंदें जो हैं वो मौजूद नजर आ रही हैं और अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट से ये जोशुआ लिटिल की अगली गेंद, बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों शॉन विलियम्स मौजूद नजर आ रहे हैं। विलियम्स अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, पुल मारने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। आखिरी की 3 गेंदें जोशुआ लिटिल के इस ओवर में मौजूद। बैटिंग पे दोस्तों शॉन विलियम्स मौजूद नजर आ रहे हैं। विलियम्स ने अब तक 2 गेंदें खेली हैं, कोई रन अब तक नहीं बना पाए हैं ये जनाब। अगली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट से जोशुआ लिटिल की गेंद, बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों मौजूद नजर आ रहे हैं शॉन विलियम्स अगली गेंद का सामना करने के लिए। विलियम्स के लिए इस ओवर की अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ स्टंप पर खूबसूरत स्क्वायर कट, किसी के पास इस गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं और गेंद निकल जाएगी सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 runs के लिए। तो शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पे खड़े होके गेंद का इंतजार करके इस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया और गेंद देखते ही देखते वहां पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकल गई पूरे के पूरे 4 runs के लिए। और इस चौके के साथ ही दोस्तों 21 run हो चुके हैं 1 wicket के नुकसान के बाद। तो अब आखिरी की 2 गेंदें जोशुआ लिटिल के इस ओवर में मौजूद हैं। जोशुआ लिटिल के बारे में मैं आप लोगों को बताते चलूं कि दोस्तों जोशुआ लिटिल, ओ हो हो, तीनों स्टंप्स पे डाली हुई गेंद, डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गाइड करने की कोशिश, बल्ले के इन साइड एज पे ये गेंद लगी और गेंद लीजिए स्टंप्स पे जाकर टकरा गई है और जिम्बाब्वे ने 21 रनों के ऊपर यहां अपना दूसरा विकेट भी गवा दिया है। डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गाइड करने का प्रयास कर रहे थे इस गेंद को बल्लेबाज, बल्ले के इनसाइड एज पे ये गेंद लगी और इनसाइड एज पे गेंद टकराने के बाद जाकर सीधा स्टंप्स पे टकरा गई और जिम्बाब्वे ने
21 रनों के ऊपर ये दूसरा विकेट भी गवा दिया है। बड़ी विकेट दोस्तों यहाँ पे जाती हुई, डीप थर्ड मिन बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद पे बल्लेबाज, लेकिन इनसाइड एज लगने के बाद गेंद जाकर सीधा स्टंप्स पे टकरा गई। जिम्बाब्वे 21 रन पे दूसरा विकेट इस मैच के अंदर गवाता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी विकेट गई और जोशुआ लिटिल को मिलती हुई इस मैच में दोस्तों उनकी ये पहली सफलता। बड़े विकेट के साथ ही 3.5 गेंदों में 21 रन और 21 रनों के ऊपर दो विकेट जिम्बाब्वे की टीम का स्कोर हो गया है बढ़कर। तो जोशुआ लिटिल के इस ओवर की पांचवी गेंद के ऊपर बड़ी विकेट मिली, जहां गेंदबाजी में दोस्तों अब हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने परिवर्तन जो है वो किया है। देखते हैं दोस्तों कप्तान जो है जोशुआ लिटिल ये आखिरी गेंद के ऊपर आ गए हैं सामना करने के लिए। सिकंदर रजा दोस्तों अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं नए ओवर की शुरुआत पर, और गेंदबाजी के लिए जोशुआ लिटिल आ रहे हैं इस छोर से गेंदबाजी में बैटिंग क्रीज के ऊपर सिकंदर रजा। और देखते हैं दोस्तों सिकंदर रजा कहां खेलते हैं शॉट को। तो दो विकेट्स गिरने के बाद जिम्बाब्वे की टीम प्रेशर में नजर आ रही है, और इनका जो फैसला था दोस्तों नीचे की तरफ बल्लेबाजी करने का, ये मुझे लगता है कि इनका ये गलत फैसला था, इनको ऊपर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए। एक स्लिप के साथ ऑफ स्टंप के बाहर ये वाइड यॉर्कर डाली हुई गेंद, बल्लेबाज ने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया, गेंद को छोड़ दिया, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। ओवर की समाप्ति 4-21 जिम्बाब्वे, दो विकेटों के नुकसान के बाद सिकंदर रजा एक गेंद पे खाता नहीं खोल पाए हैं। वेस्ली मादावीरा 13 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। जोशुआ लिटिल का दोस्तों ये दूसरा ओवर भी हम देख पा रहे हैं किसी बीच समाप्त हो गया है। जोशुआ लिटिल ने अपने दो ओवर में 7 रन इस मैच में अब तक कुल मिला के बनाए हैं। 7 रन बना के दोस्तों इस मैच के अंदर अब तक इस खिलाड़ी ने एकमात्र विकेट जो है वो निकाली है। जोशुआ लिटिल का ये ओवर समाप्त। जोशुआ लिटिल के इस ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में नया ओवर शुरू करने के लिए नए गेंदबाज आ रहे हैं इस दूसरे छोर से। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। तो देखते हैं बैटिंग क्रीज के ऊपर जो बल्लेबाज मौजूद नजर आ रहे हैं वो वेस्ली माधवीरा नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट से बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों बल्लेबाज तैयार नजर आते हुए इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। लेग स्टंप की लाइन पे वेस्ली माधवीरा के लिए गेंद थी, और वेस्ली माधवीरा ने बैट और पैड साथ लेकर आके इस गेंद को केवल और केवल डिफेंड किया। बैक टू द बॉलर, रन लेने का कोई मौका नहीं देंगे। एक और डॉट बॉल, तो डॉट डिलीवरी। बैरी मैकार्थी अपना दूसरा ओवर जो है वो डाल रहे हैं। 1.2 गेंदे, 7 रन अब तक बैरी मैकार्थी के नाम। 7 रन देखिए अब तक बैरी मैकार्थी ने एक सफलता जो है वो हासिल की है। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज, और बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देखेंगे तो आपको वेस्ली माधवीरा नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। ओवर द विकेट से ये अगली गेंद, दाएं हाथ से शॉर्ट बॉल, पुल मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर टकराई नहीं, गेंद जाकर सीधे दोस्तों वहां पर टकराती हुई जहां पर नहीं टकरानी चाहिए। सारे खिलाड़ी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि गेंद जाकर दोस्तों फोड़ दी है वो अंडे को। अंडे पर गेंद जाकर टकराती हुई सीधा बैरी मैकार्थी की, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, पुल मारने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि दोस्तों गेंद थोड़ी सी ऊपर टकराई है ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन इस समय वहाँ खिलाड़ी जो है दोस्तों नीचे की तरफ बैठ गए हैं वेस्ली माधवीरा। तो वेस्ली माधवीरा जो हैं क्या इनके उसको फूट गया है या नहीं फूटा है। 21 रन दो विकेट के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ने 21 रन पे दो विकेट अब तक गवाए हैं, और अब वेस्ली माधवीरा दोस्तों 1000 रन T20 इंटरनेशनल्स में पूरे करने में कामयाब। आज इन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 1000 रन पूरे कर लिए हैं, और अब अगली गेंद लेकर आने के लिए दोस्तों बैरी मैकार्थी तैयार नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट से ये अगली गेंद का सामना करने के लिए दोस्तों दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार नजर आते हुए। ओवर द विकेट से वेस्ली माधवीरा की ये गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये फुलर लेंथ डिलीवरी, खूबसूरत ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ एक रन के लिए।
एक रन के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर लिया है। और जिम्बाब्वे 22 रन पे पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान के बाद। 4.4 गेंदों की समाप्ति जिम्बाब्वे के लिए हो चुकी है समाप्त। तो अंत में दोस्तों जो वो चौके छक्के मारे वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर हम देखेंगे तो आपको इस मैच में जो है वो बना गया। तो 22 रन पे 2 विकेट्स हैं 4.4 गेंदों की समाप्ति पर। अगली गेंद लेके चलें और सिकंदर रजा शॉर्ट बॉल थी बारी मकार्थी की और बैकफुट पे उछलते हुए इस गेंद को ऑन साइड में ढकेला और गेंद सीधा मिड ऑन के पास और रन लेने का कोई मौका इस गेंद पे नहीं देंगे। तो बैरी मकार्थी की गेंद और आखिरी गेंद दोस्तों बैरी मकार्थी की आ रही है। बैटिंग पे मौजूद हैं सिकंदर रजा। जी हाँ 2 गेंदें कोई रन नहीं और ये मैच अगर कोई जिता सकता है जिम्बाब्वे को तो वो दोस्तों यही खिलाड़ी है जो कि ये मैच को जिता सकते हैं दोस्तों सिकंदर रजा। अगर ये आप लोगों को आउट हो गए तो जिम्बाब्वे ये मैच भी हार जाएगा। शॉर्ट बॉल अपर कट मारने की कोशिश लेकिन गति से बीट किया और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 22 2 विकेटों के नुकसान के बाद। अगली गेंद ओवर की समाप्ति पर छठा ओवर आखिरी ओवर लेके चल रहे हैं। और आखिरी ओवर दोस्तों पावर प्ले के अंदर जो है वो लेकर आ रहे हैं गेंदबाज। आने वाले बल्लेबाज जिम्बाब्वे की तरफ से एक नज़र डाल लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। जिम्बाब्वे ने अगले बल्लेबाज ब्रायन बेनेट नज़र आएंगे। ब्रायन बेनेट के साथ रायन बर्ल नज़र आएंगे नंबर 5 पे। फिर आप लोगों को नंबर 7 की पोजीशन पे क्लाइव मंडांडी नज़र आएंगे। फिर बेनेट नज़र आएंगे नंबर 8 पर। नंबर 9 पे दोस्तों लंबी मूछों वाले लुक जोंगवे खेलेंगे। नंबर 10 पे ग्वांडू खेलेंगे और नंबर 11 की पोजीशन पर रिचर्ड एंगवारा और ब्लेसिंग मुजरबानी। अगली गेंद और ये दाएं हाथ से ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लैंड डिलीवरी सामने की तरफ लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहां कोई संपर्क नहीं पूरी तरीके से बीट कर दिया और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच गई है। और ये पहली गेंद के ऊपर बीट कर दिया है मार्क अडेयर ने। बैटिंग क्रीज के ऊपर जो है हम देखेंगे तो आपको मौजूद नजर आ रहे हैं वेस्ली माधवीरा। वेस्ली माधवीरा ने अब तक कुल मिलाकर 17 रन बनाए हैं। शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पर डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गाइड कर दिया। 1 रन भागेंगे दूसरे का कॉल किया है और जब तक इस गेंद को दोस्तों डीप थर्ड मैन बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा कर लिया है। 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने अब हम देख पा रहे हैं कि रोटेट कर लिया है और जो स्कोर है दोस्तों वो अब 23 रन हो चुके हैं। 23 रन पे 2 विकेट्स जिम्बाब्वे। मार्क अडेयर लेकर आ रहे हैं इस ओवर की अब आखिरी गेंद और उठा कर मारा बल्लेबाज ने और गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। तो ये अंदर आती हुई गेंद थी उछाल लेने के बाद और बाहर की तरफ जा रही थी टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ने इस गेंद को उठा कर मारा और गेंद जा रही है दोस्तों डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और ये पूरे के पूरे जो है वो इस गेंद के ऊपर 4 रन बल्लेबाजों को मिल गए हैं। और इस चौके के साथ ही प्रेशर थोड़ा बहुत दोस्तों रिलीज इन्होंने किया है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद गई है और ये पूरे के पूरे 4 रन मिल गए। ओ हो कदमों का इस्तेमाल मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट। सिकंदर रजा दोस्तों अब धीरे धीरे फॉर्म में वापस आ रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर सिकंदर रजा के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्रीज। जिम्बाब्वे 31-2 हैं 5.4 गेंदों के बाद। तो कदमों का इस्तेमाल और सीधा शॉट मारा था मिड ऑन पे ऊपर से उठाकर लॉफ्टेड शॉट
लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद गई थी, दो तीन टप्पा खाने के बाद चार रन के लिए। दो गेंदों में दो बाउंड्रीज आ चुकी हैं। मार्क अडेयर दोस्तों अब प्रेशर में नजर आ रहे हैं। ये इनका दूसरा ओवर है मार्क अडेयर का, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। अब तक दोस्तों आयरलैंड की टीम चढ़कर खेल रही थी जिम्बाब्वे पे, लेकिन सिकंदर रजा ये धीमी गति की गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक कर दिया है, लेकिन टाइम नहीं कर पाए जैसा चाहते थे ये खिलाड़ी। एक रन पूरा करेंगे, दूसरे का कॉल किया वेस्ली माधवीरन, इनका सही कॉल कर लिया है, एक्सेप्ट किया, दो रन पूरे कर लेंगे। ओवर की पांचवी गेंद पे दो रन के साथ जिम्बाब्वे 33, दो विकेटों के नुकसान के बाद इस मैच में हो गया है बढ़के। आखिरी गेंद ये लेकर आ रहे हैं गेंदबाज, तो ओवर जो है दोस्तों अब समाप्त हो चुका है और अभी इस ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर और एक गेंद रह गई है, माफ कीजिएगा दोस्तों। और इस आखिरी गेंद को लेकर आने के लिए गेंदबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। ये छठे ओवर की आखिरी गेंद आती हुई बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों बल्लेबाज जो हैं वो हम देख पा रहे हैं तैयार नजर आ रहे हैं। ये धीमी गति की गेंद, और इस धीमी गति की गेंद के ऊपर सामने की तरफ इस शॉट को लगाया गया था और आराम से बल्लेबाज ने इस गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर बाउंड्री की दिशा में। एक रन दौड़ेंगे, दूसरे का कॉल किया था और जब तक इस गेंद को कवर बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दोस्तों दौड़ कर ये एक रन और ले लिया है। इस एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने हम देख पा रहे हैं रोटेट कर लिया और ये ओवर की समाप्ति भी हो गई है। इस ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर जो है वो दोस्तों नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं 35 रन, और 35 रनों के ऊपर आप देखेंगे तो दो विकेटें हो गई हैं इस खेल में। पावर प्ले जो है वो समाप्त हो गया है और पावर प्ले की समाप्ति के बाद 35 रन पे दो विकेट्स हैं इस समय इस टीम का स्कोर। ये ओवर की समाप्ति, और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों तो कुल मिला के हो चुके हैं बढ़ के 39 रन। अगली गेंद क्रेग यंग की दाएं हाथ से शॉर्ट बॉल, पुल मारा गेंद को वेस्ली माधवीरन ने, लेकिन गेंद डीप में जाती हुई एक रन दौड़ेंगे, दूसरे का कॉल किया है और जब तक इस गेंद को डीप मिडविकेट बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के दोस्तों ये दो रन पूरे कर लिए हैं। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन डीप में गेंद पहुंची, दो रन पूरे करने में कामयाब। इन दो रनों के साथ स्कोर 37 रनों के ऊपर पहुंचा। 37 रनों के ऊपर आप देख सकते हैं इस समय दो विकेटें जो हैं जिम्बाब्वे की टीम का हो चुका है स्कोर इस मैच में बढ़ के। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज और तैयार हैं बल्लेबाज वेस्ली माधवीरा। तो वेस्ली माधवीरा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इस समय जो है कुल मिला के 19 रन बनाए हैं, 20 गेंदों का सामना इन्होंने कर लिया है फिलहाल। तो वेस्ली माधवीरा के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद आती हुई बैटिंग क्रीज के ऊपर ये खिलाड़ी तैयार नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, आप भी क्रेग यंग इस समय गेंदबाजी जो है वो कर रहे हैं। तो क्रेग यंग की ये अगली गेंद, दूसरी गेंद आती हुई पावर प्ले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समाप्त हो चुका है ऑलरेडी, तो पावर प्ले के बाद आपको ये खेल जो है वो अब शुरू हो रहा है। ये ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद डीप थर्ड विन बाउंड्री की तरफ इस गेंद को गाइड कर दिया। जब तक इस गेंद को डीप थर्ड विन बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दोस्तों दौड़ कर ये एक रन जो है वो और पूरा कर लिया है। इस एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने हम देख पा रहे हैं दोस्तों रोटेट कर लिया है। स्कोर जो है वो 38 रनों के ऊपर और 38 रन पे दो विकेट्स जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने 38 रन पे दो विकेट्स गवा लिए हैं 6.4 गेंदों के बाद। तो 38 रन पे दो विकेट और तीन गेंदें और मौजूद नजर आ रही हैं इस ओवर में, और आखिरी की तीन और गेंदों के ऊपर बैटिंग में मौजूद हैं दोस्तों सिकंदर रजा। सिकंदर रजा के लिए क्रेग यंग की गेंद ऑफ स्टंप पर थी, धीमी गति की गेंद, ड्राइव किया, गेंद कवर के पास, रन नहीं मिलेगा। आखिरी की दोस्तों इस ओवर में तीन और गेंदें जो हैं वो मौजूद हैं। अगली गेंद सिकंदर रजा की, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, पुल मारने की कोशिश,
लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहाँ कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। आखिरी की दो गेंदें यहाँ लेकर आ रहे हैं क्रेग यंग। तो आखिरी की दो और गेंदें, सिकंदर रजा तैयार नजर आ रहे हैं। और आप लोगों को बताते चलें कि दोस्तों आखिरी की दो गेंदों का सामना करने के लिए सिकंदर रजा 9 गेंदों में 12 रन अब तक इस मैच में बनाए हैं। दाएं हाथ से ये अगली गेंद यंग की शॉर्ट ऑफ स्टंप पर थी, डीप थर्ड विन बाउंड्री की तरफ गाइड किया है। फील्डर मौजूद हैं एक रन के लिए, एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है। तो 39 रनों के पर जिम्बाब्वे पहुंची और अब यहां से 79 गेंदों के ऊपर 109 रनों की और आवश्यकता जिम्बाब्वे को चाहिए ये मैच जीतने के लिए। तो रजा ने 10 गेंदों में 13 रन बनाए हैं और वेस्ली माधवीरा ने 21 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाए हैं इस मैच में। यंग की ये आखिरी गेंद 7वें ओवर में ऑफ स्टंप के ऊपर थी, फ्रंट फुट को निकाल के ड्राइव किया, रन आउट हो गए, नहीं हो गए हैं, बाल बाल बच गए। कवर की दिशा में खेल के एक रन भागने की कोशिश कर रहे थे वेस्ली माधवीरा और वेस्ली माधवीरा आधे से ज़्यादा छोर तक भाग गए थे, लेकिन सिकंदर रजा ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया और ये ओवर की समाप्ति हो गई है। 7 के बाद जिम्बाब्वे 39 2 विकेटों के नुकसान के बाद। सिकंदर रजा 10 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, वेस्ली माधवीरा 22 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। यंग का यह पहला ओवर हो गया है समाप्त। पहले ओवर में क्रेग यंग ने कुल मिला के 4 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं। 7 के बाद 39 जिम्बाब्वे 2 विकेटों के नुकसान के बाद सिकंदर रजा 10 गेंदों में 13 रन बनाकर खेलते हुए और वेस्ली माधवीरा 22 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर खेलते हुए। रिक्वायर्ड रेट 8.38 का चाहिए। 13 और ओवरों का खेल इस मैच में दोस्तों केवल और केवल मौजूद हैं। जीतने के लिए 109 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रेट धीरे धीरे दोस्तों आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है, परेशानी नजर आ रही है इस समय जिम्बाब्वे के लिए। जिम्बाब्वे के पास ज़्यादा बल्लेबाजी है नहीं। कप्तान ने अब गैरेथ डिलेनी को जो है दोस्तों गेंदबाजी में लगाने का निर्णय ले लिया है। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दबाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दबाएँगे उतना ही ज़्यादा दोस्तों जो है वो आनंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। गैरेथ डिलेनी आ गए हैं अपना अगला ओवर शुरू करने के लिए। तो गैरेथ डिलेनी की ये पहली गेंद तेज थी, ऑफ स्टंप पर थी, पैड पैड साथ लेकर आके इस गेंद को डिफेंड करेंगे। डॉट बॉल 8वें ओवर की पहली गेंद, डिलेनी की दूसरी गेंद आती हुई अब ओवर द विकेट से बैटिंग क्रीज पर तैयार हैं। ऑफ स्टंप पर थी ये गेंद, इनसाइड एज, गेंद जाती हुई डीप में, एक रन दौड़ेंगे, एक रन के साथ पूरा कर लिया है, दूसरे का भी कॉल किया है। जब तक इस गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पास है वहाँ फील्डर फील्ड करता, थ्रो करता, एक रन पूरा कर लिया। 2 रनों के साथ जिम्बाब्वे 41 पे 2 विकेट 7.1 गेंद की, 2 गेंदों की समाप्ति हो गई है इस मैच में। अगली गेंद लेकर तैयार हैं ये गेंदबाज और बैटिंग क्रीज पे तैयार नजर आ रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, पुल शॉट, स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ, टप्पा खाने के बाद 2-4 रनों के लिए। गैरेथ डिलेनी की शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, बैक फुट पे गए, बहुत ही आराम से इस गेंद को बैक फुट पे जाके पुल कर दिया और गेंद डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई है। पूरे के पूरे 4 शानदार रन इस गेंद के ऊपर मिल जाएंगे बल्लेबाजों को। इस खराब गेंद के ऊपर चौका बटोरा और इस चौके के साथ ही जिम्बाब्वे 46 पे 2। अगली गेंद शॉट ऑफ स्टंप पर, बैक फुट पे गए, पुल किया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, एक रन पूरा करेंगे, दूसरे का कॉल किया है। जब तक इस गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री का फील्डर फील्ड करता, एक रन पूरा करने के साथ जिम्बाब्वे 46 पे पहुंचा 2 विकेटों के नुकसान के बाद। 7.4 गेंदों की समाप्ति हो गई है। गैरेथ डिलेनी अब तक 4 गेंदें फेंक चुके हैं दोस्तों,
सात रन 11 दिलेर ने अब तक दिए हैं और ये अगली गेंद के ऊपर एक और अच्छा शॉट और इस धीमी गति की गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने पीछे की तरफ जाके बड़े आराम से खेल दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और भागकर पूरा कर लिया है। आखिरी गेंद गैरेथ डिलेनी की आती हुई सिकंदर रजा के लिए, शॉट बैकफुट पे गए, ऑन साइड में ढकेला, स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, एक और रन, जिम्बाब्वे 48 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद इस मैच में हो गया है स्कोर। तो यहां से 12 ओवरों का खेल जो है दोस्तों वो और मौजूद नजर आ रहा है केवल। तो अभी भी 12 ओवरों के खेल में करीब करीब 100 रनों की और आवश्यकता है। और बैटिंग में सिकंदर रजा मौजूद नजर आ रहे हैं, तो सिकंदर रजा ने अब तक 21 रन्स बनाए हैं और उनके साथ हम देख पा रहे हैं दोस्तों वेस्ली माधवीरा ने, वो अब हम देख पा रहे हैं वो 21 रन्स इन्होंने अब तक मात्र और मात्र जो है वो बनाए हैं। ये अगली गेंद गैरेथ डिलेनी का पहला ओवर, एक अच्छा ओवर समाप्त हो गया है। तो गैरेथ डिलेनी के इस ओवर की समाप्ति पर अब नया ओवर जो है दोस्तों गेंदबाजी में हम देख पा रहे हैं कि शुरुआत करने के लिए नए गेंदबाज आ रहे हैं। और आइए जरा देखते हैं दोस्तों नए ओवर की शुरुआत बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज जॉर्ज डॉकरेल आ रहे हैं करने के लिए। बाएं हाथ से डॉकरेल की गेंद राउंड द विकेट से लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, उछाल लेने के बाद गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी, फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ ड्राइव कर देंगे और जब तक इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर पूरा कर लिया है। तो इस पहली गेंद पे सिंगल ले लिया, अगली गेंद जॉर्ज डॉकरेल की आती हुई, बाएं हाथ से बैटिंग क्रीज पे दोस्तों बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं। लेग स्टंप के ऊपर आती हुई ये गेंद, टर्न हुई अंदर की तरफ, ये गेंद आ गई और ये रिवर्स हुई, पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से उठाकर मारा गया ये स्ट्रोक, ये निकल जाएगी डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज को। इस गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप मारा था इन्होंने और इस रिवर्स स्वीप के ऊपर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से इन्होंने इस गेंद को उठाकर खेल दिया और गेंद देखते ही देखते डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकल गई पूरे के पूरे 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ अब 53 रनों का स्कोर हो गया है। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट थी, तेज थी, बैकफुट पे जाके कट कर दिया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और बचावा कार्य दोस्तों वहां बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने किया, रन इस गेंद के ऊपर नहीं मिलेगा। यह सिकंदर रजा और वेस्ली माधवीरा, राउंड द विकेट से लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद बिल्कुल सीधी रहती हुई, स्कूप मारने की कोशिश, गेंद जाकर सीधा मिडिल स्टंप पर टकरा गई है और ये खिलाड़ी बोल्ड आउट हो गए हैं 53 रनों के ऊपर। स्कूप मारना चाहते थे वेस्ली माधवीरा और गेंद जाकर सीधा लेग स्टंप के डंडों पर टकरा गई है। और बता दें आप लोगों को कि 53 रन्स पे तीसरा विकेट जिम्बाब्वे की टीम ने इस मैच के अंदर जो है वो गवा दिया है। बहुत ही खराब शॉट जॉर्ज डॉकरेल को कप्तान ने लगाया और जॉर्ज डॉकरेल ने दोस्तों जिस कार्य के लिए इनको लगाया गया था वो कार्य इन्होंने पूरा कर दिया। जिम्बाब्वे 53 रनों के ऊपर 3 विकेटें। तो अगले बल्लेबाज बाएं हाथ के रायन बर्ल नंबर 5 की पोजीशन पे आ रहे हैं। अभी भी जिम्बाब्वे के पास बल्लेबाजी थोड़ी बहुत मौजूद है, लुक जोंगवे मौजूद हैं, फिर आप लोगों को ब्रायन बेनेट मौजूद हैं, तो अच्छे खासे खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं कि जिम्बाब्वे की टीम में अभी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और अब गेंदबाजी में दोस्तों जॉर्ज डॉकरेल, आखिरी की 2 गेंदे इस पहले ही ओवर में आ रहे हैं करने के लिए। इस ओवर में एक चौका खाया था, एक सिंगल खाया था, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया इन्होंने वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आला किस्म का कमबैक इनकी तरफ से रहा है इस मैच में। रायन बर्ल तैयार, जॉर्ज डॉकरेल आ रहे हैं इस ओवर की आखिरी की 2 और गेंदे लेकर।
बैटिंग में दोस्तों बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं, बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। लेग स्टंप पर डाली भी गेंद थी, बड़े आराम से इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, और जब तक इस गेंद को दोस्तों वहाँ लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर फील करके थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और जो है वो पूरा कर लिया है। वो ओवर की समाप्ति दूसरे का कॉल भी किया था वहाँ, और जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर वहाँ फील करके थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के दोस्तों ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। तो ओवर की समाप्ति 9 के बाद 57 रन पे 3 विकेट्स जिम्बाब्वे। तो ये एक और ओवर जो है वो समाप्त हो गया है। इस ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे ने 57 रन कुल मिला के इस मैच में बना लिए हैं 3 विकेटों के नुकसान के बाद। तो यहां से डॉकरेल ने अपने पहले ही ओवर में काफी इवेंटफुल ओवर जो है दोस्तों आपको यहां पे जॉर्ज डॉकरेल ने डाला है। डॉकरेल के ओवर में कुल मिला के 9 रन आए, लेकिन डॉकरेल ने दोस्तों महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्होंने एक विकेट भी इस मैच के अंदर जो है वो निकाल कर दिखा दी है। अगली गेंद नए ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं नए गेंदबाज, और बैटिंग क्रीज के ऊपर मौजूद दोस्तों नजर आ रहे हैं सिकंदर रजा। तो गेंदबाजी में डॉकरेल के इस ओवर की समाप्ति पर अगला ओवर शुरू करने के लिए नए गेंदबाज, और अब सिकंदर रजा जो है दोस्तों वो तैयार नजर आ रहे हैं 25 रनों के ऊपर। ये गैरेथ डिलेनी आ रहे हैं इस ओवर की शुरुआत पर। डिलेनी अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, पारी का ये 10वां ओवर चल रहा है। डिलेनी की पहली गेंद आती हुई लेग स्टंप पे टप्पा खाई, टर्न हुई, लेग स्टंप पर आ गई, सामने की तरफ शॉट को खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पास, जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ का फील्डर फील करके थ्रो कर पाते एक रन पूरा कर लिया है। तो पहली गेंद पे सिंगल निकाल लिया गैरेथ डिलेनी की गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज सिकंदर रजा ने। अगली गेंद तैयार बैट्समैन, और इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर दोस्तों बाएं हाथ के रायन बर्ल नजर आ रहे हैं। रायन बर्ल के लिए फ्लाइटेड डिलीवरी थी, लेकिन इस फ्लाइटेड गेंद के ऊपर पीछे की तरफ शॉट मारा, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, बाकी का कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया है। अगली गेंद गैरेथ डिलेनी की, एक और गूगली थी ऑफ स्टंप पर, पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला एक रन लेने की कोशिश, जब तक इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री का फील्डर वहां फील करके थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दोस्तों दौड़कर ये एक रन और ले लिया है। एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है, और अब हम ओवर की बात कर लेते हैं। तो ओवर की जो है दोस्तों वो अब समाप्ति होने ही वाली है। 3 और गेंदे जो हैं वो इस ओवर में लेकर आ रहे हैं गेंदबाज, और बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज रायन बर्ल। लेग स्टंप पर ये डाली भी गेंद थी, टर्न होकर अंदर की तरफ आई, और गेंद जो है वो लेग स्टंप की तरफ जाएगी, जब तक इस गेंद को लेग स्टंप का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा कर लिया है। एक और रन के साथ ओवर की चौथी गेंद पे सिंगल आ गया है। आखिरी की 2 गेंदे और मौजूद हैं गैरेथ डिलेनी के इस ओवर में। सिकंदर रजा नॉन स्ट्राइक के एंड पे शॉर्ट बॉल पुल मारने की कोशिश, इनसाइड एज, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन दौड़ेंगे, दूसरे का कॉल किया है, और जब तक इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए दोस्तों लेग बाई के रूप में यह तीसरा रन भी पूरा कर लिया। तो लेग स्टंप पर डाली हुई गेंद थी, और गेंद पैरों पर टकराती हुई सीधा फाइन लेग बाउंड्री की तरफ ही निकल गई, और ये 3 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने बटोर लिए हैं। इन 3 रनों के साथ 63 रन हो चुके हैं, और 63 रनों के ऊपर दोस्तों इस मैच में 3 विकेटें गई हैं केवल और केवल। ओवर की आखिरी गेंद पहले हाफ की समाप्ति दोस्तों होने जा रही है।
इस 10वें ओवर में। ये तेज गेंद थी ऑफ स्टंप पर, टप्पा खाने के बाद टर्न होकर अंदर की तरफ आई गैरेथ डिलेनी की गेंद और आगे की तरफ आके बल्लेबाज ने वापस गेंदबाज की तरफ केवल और केवल ढकेल दिया है। बचा हुआ कार्य दोस्तों, गेंदबाज ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंद को फील्ड कर लिया। 10वें ओवर के खेल की समाप्ति, 10 के बाद 63 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे। अब 10 ओवर में 85 रनों की आवश्यकता, यानी कि दोस्तों रिक्वायर्ड रेट हम देखेंगे तो 8.5 का केवल और केवल चाहिए इस मैच में। मुश्किल नहीं है, जीत सकती है ये टीम, लेकिन सब डिपेंड करता है कि दोस्तों आने वाले ओवर में किस तरीके का प्रदर्शन जो है ये दोनों बल्लेबाज करने में हो पाएंगे कामयाब आने वाले कुछ ओवर में। अगली गेंद और गैरेथ डिलेनी के इस ओवर की समाप्ति पर कप्तान कौन से गेंदबाज को लेकर आएंगे गेंदबाजी कराने के लिए, देखते हैं। बड़े बड़े शॉट्स लगाने की आवश्यकता, तेज गेंदबाज शॉर्ट बॉल पुल मारने की कोशिश, गेंद ज्यादा उछली नहीं, इनसाइड एज लगा और ऑफ स्टंप के डंडों को छोड़कर सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची एक टप्पा खाने के बाद। और बचा हुआ कार्य जो था दोस्तों वो विकेट कीपर ने कर लिया है, रन लेने का कोई मौका नहीं इससे 11वें ओवर की शुरुआत पर। तो पहली गेंद पर डॉट, अगली गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज यहां पर क्रेग यंग। तब तक आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ओवर द विकेट से क्रेग यंग की गेंद आ रही है और बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों रायन बर्ल मौजूद हैं। पैरों पर डाली हुई गेंद, ऑन साइड में गेंद को फ्लिक किया इन्होंने और गेंद जो है वो स्क्वेले की दिशा में जा रही है। बाकी का कार्य वहां स्क्वेले के फील्डर ने किया, एक रन लेने की कोशिश और एक रन, इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो दोस्तों वो रोटेट कर लिया है। अगली गेंद, तीसरी गेंद लेकर चल रहे हैं गेंदबाज सिकंदर रजा। 27 रन और 20 गेंदों का सामना इस मैच में इन्होंने अब तक किया है। ओवर द विकेट से ये तीसरी गेंद दाएं हाथ के सिकंदर रजा के लिए गेंद। ओवर द विकेट से ये गेंद लेकर आ रहे हैं दाएं हाथ के सिकंदर को, लेग स्टंप के ऊपर खराब गेंद फ्लिक कर दिया, गेंद बल्ले पर लगी, पैरों पर लगी, गेंद विकेट कीपर को चकाती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ निकल गई, 4 रन मिल जाएंगे। इस दिशाहीन गेंद के ऊपर फ्लिक किया था बल्लेबाज ने और शायद गेंद पैरों पर भी लगी है और गेंद सीधा देखते ही देखते फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई पूरे के पूरे 4 रन के लिए। तो 68 रन 3 विकेटों के बाद जिम्बाब्वे। आखिरी के 3 और गेंदे जो हैं इस ओवर में मौजूद हैं और आखिरी के 3 और गेंदों के ऊपर देख लेते हैं गेंदबाज कहां पर डालते हैं। ओवर द विकेट से क्रेग यंग की ये गेंद और बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। मिडल स्टंप के ऊपर डाली हुई ये गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद अंदर की तरफ आई। आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने अपने फ्रंट फुट को लेकर आके गेंद को केवल ड्राइव किया और गेंद गेंदबाज के पास पहुंची। बचा हुआ कार्य गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया है। डॉट डिलीवरी, ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद, हल्का सा लेग स्टंप की तरफ जाके इनसाइड आउट शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ खेला, एक रन पूरा करेंगे, दूसरे का कॉल किया है, दूसरा रन भी पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। तो 70 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद 10 ओवर और 5 गेंदों की समाप्ति पर आखिरी गेंद दोस्तों इस 11वें ओवर के अंदर लेके चल रहे हैं गेंदबाज क्रेग यंग। पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है और क्रेग यंग दोस्तों अपना ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं। ओवर द विकेट से दौड़े, शॉर्ट बॉल पुल मार दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन पूरा करेंगे, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी या एक बेहतर थ्रो की आवश्यकता थी वहां डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास से, लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री के फील्डर ने विकेट कीपर की तरफ थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो किया और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए हैं 2 रनों के साथ 72 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद। तो 11 के बाद जिम्बाब्वे 72 3 विकेटों के नुकसान के बाद इस खेल में ओवर की हो गई है समाप्ति। इस ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर होता हुआ बढ़कर 72 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे।
तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। अभी 9 और ओवरों का खेल जो है वो इस मैच में मौजूद हैं और 9 ओवर्स में 76 रन केवल चाहिए। रिक्वायर्ड रेट को अभी काबू में रखा है दोस्तों यहाँ जिम्बाब्वे ने, और मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, अगली गेंद क्रेग यंग अपने 2 ओवर्स कर चुके हैं समाप्त और 2 ओवर्स में दोस्तों 13 रन जो है अब तक इस खिलाड़ी ने अब तक हासिल की है। बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। तो दोस्तों गैरेथ डिलेनी इस नए ओवर की पहली गेंद को लेकर आ रहे हैं और बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट बॉल थी, लेग स्टंप पर थी और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गई 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने जो है वो रोटेट कर लिया है, जहां अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज। ओवर द विकेट से गैरेथ डिलेनी की गेंद, हवा में शॉट और गेंद सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन्स। फ्लाइटेड डिलीवरी थी और फ्लाइटेड डिलीवरी के ऊपर अपने फ्रंट फुट को निकाल के गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर शॉट खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से लाजवाब शॉट। इस छक्के के साथ स्कोर 79 रन्स 3 विकेटों के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे। सिकंदर रजा, मैं आपको बता ही रहा था कि दोस्तों इस मैच में सिकंदर रजा की बात करेंगे तो वो इस मुकाबले में मैच को जिता सकते हैं। शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पर कट कर दिया कवर की दिशा में 1 रन के लिए। तो 80 रन जिम्बाब्वे 3 विकेटों के नुकसान के बाद 11.3 गेंदों की समाप्ति पर सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर ली है। बाएं हाथ के राइन बर्ल को अब स्ट्राइक इन्होंने दे दी है। बर्ल ने अब तक 7 गेंदों में केवल 4 रन बनाए हैं। अब तक दोस्तों आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को। और ये कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑन बाउंड्री की बाईं तरफ से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 4 रन। रायन बर्ल ने भी अब अपने हाथ खोलने जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो डिलेनी की इस गेंद पर 2 कदम आगे की तरफ निकल कर आए और गेंद सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर निकल गई। दोस्तों रायन बर्ल के बल्ले से ये पहला चौका इस मैच में आता हुआ इनका और अब जिम्बाब्वे 84 रन 84/3 11 ओवर से 4 गेंदों के बाद। ऑफ स्टंप पे ये गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई डीप कवर बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ रोटेट कर लिया है। जिम्बाब्वे 85 रन पे पहुंच चुकी है 3 विकेटों के नुकसान के बाद। 11 ओवर्स और 5 गेंदों की समाप्ति हो गई है। अगली गेंद आखिरी गेंद 12वें ओवर के अंदर लेके चल रहे हैं गेंदबाज गैरेथ डिलेनी। गैरेथ डिलेनी का ये 3रा ओवर है, पारी का ये 12वां ओवर है। बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों सिकंदर रजा तैयार नजर आ रहे हैं और ये अगली गेंद ऑफ बिल्कुल ऊपर की तरफ गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेल दिया दोस्तों इस बार गैरेथ डिलेनी की इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज सिकंदर रजा ने। फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड कर लिया है 12/85 3 विकेटों के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे। 9 गेंदों में रायन बर्ल 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, सिकंदर रजा 27 गेंदों में 42 रन बनाकर खेल रहे हैं और 48 गेंदों के ऊपर अब तक 63 रन जो हैं दोस्तों वो जिम्बाब्वे ने इस मैच में बना लिया है। माफ कीजिएगा, 48 गेंदों पे 63 रनों की और आवश्यकता जो है वो इस मैच में चाहिए। ओवर की समाप्ति और इस ओवर की समाप्ति के बाद हम देखेंगे तो जो स्कोर नजर आ रहा है वो है 85 रन। 85 रनों के ऊपर आप देख सकते हैं 3 विकेटें हैं और 3 विकेटों के ऊपर हम देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को 86 रन बन चुके हैं। ये अगली गेंद तेज गति के गेंदबाज आ गए हैं, ऑफ स्टंप पर थी क्रेग यंग की गेंद, हल्के हाथों से बल्लेबाज ने गेंद को ढकेल दिया शॉर्ट थर्डमैन की तरफ 1 रन के लिए।
गेंद पैरों पर टकराने के बाद शॉट थर्ड बिन की तरफ गई है और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों बल्लेबाजों ने लेग बाई के रूप में सिंगल पूरा कर लिया है। जिम्बाब्वे 86/3 12 ओवर्स और एक गेंद के खेल की समाप्ति के बाद 43 गेंदे 62 रनों की आवश्यकता। सिकंदर रजा की शानदार बल्लेबाजी, रायन बर्ल उनका शानदार साथ दे रहे हैं इस मैच में। क्रेग यंग की दूसरी गेंद आती हुई ओवर द विकेट से शॉर्ट बॉल पुल मार दिया लेग स्टंप की तरफ फटके, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे एकमात्र फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल और सिंगल के साथ ही 87/3 है जिम्बाब्वे। आखिरी की चार और गेंदे इस 13वें ओवर में मौजूद हैं। 61 रनों की और आवश्यकता है 46 गेंदों के ऊपर ये मैच जीतने के लिए जिम्बाब्वे को। आइए देखते हैं दोस्तों, जिम्बाब्वे जो है, अगली गेंद क्रेग यंग की शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पर थी, हल्का सा लेग स्टंप की तरफ जाके कट कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक रन लेने की कोशिश कर रहे थे वहां, और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंद को फील्ड कर लिया है। एक रन लेने की कोशिश की गई लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एक और डॉट डिलीवरी, ये अगली गेंद क्रेग यंग की तरफ से आने जा रही है। और देखते हैं दोस्तों इस ओवर की अगली गेंद को कहां खेलते हैं शॉट को बल्लेबाज। बैटिंग क्रीज के ऊपर जो मौजूद नजर आ रहे हैं खिलाड़ी वो हैं सिकंदर रजा और रायन बर्ल। पैरों पर गेंद फ्लिक किया स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन दौड़ेंगे। दूसरे का कॉल किया था डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री के पास फील्डर मौजूद, और जब तक इस गेंद को स्क्वेयर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता है, एक रन और लेने में कामयाबी मिल गई है बल्लेबाजों को। और जिम्बाब्वे 89 रन पे 3 विकेट्स हो चुके हैं 12 ओवर्स और 4 गेंदों के खेल पर। अगली गेंद और क्रेग यंग दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं इस ओवर की आखिरी की जो गेंद है वो दो गेंदें लेकर आने के लिए। क्रेग यंग की ये गेंद शॉर्ट लेग स्टंप की लाइन पर पैरों पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, गेंद जा रही है डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन पूरा करेंगे। दूसरे का कॉल करेंगे जब तक इस गेंद को स्क्वेयर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता है। इन दोनों बल्लेबाजों ने ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे 91/3 12 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद अगली गेंद और आखिरी की। भाई आप लाइव ऑक्शन कमेंट्री करते हो बट वो वेबसाइट कौन सी है भैया बता दो प्लीज, बिग फैन यू वेल्दी गैजेट सिंह जी कह रहे हैं, क्या बात है। ये अगली गेंद और टॉप एज, विकेट कीपर ने ये कैच पकड़ लिया है। तो ये शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, पुल मारने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज, बल्ले के टॉप एज पे ये गेंद लगी और टॉप एज पे ये गेंद लगने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। विकेट कीपर अपनी बाईं तरफ जाके एक आसान सा कैच जो है वो दोस्तों पकड़ने में कामयाब हो गए हैं, और एक और बड़ी विकेट जिम्बाब्वे ने 91 रनों के ऊपर गवा दिया है। धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, पुल मारने की कोशिश, बल्ले के टॉप एज पे ये गेंद लगी, टॉप एज पे गेंद लगने के बाद हवा में गेंद खड़ी हो गई, फील्डर जो मौजूद थे विकेट के पीछे उन्होंने कोई गलती नहीं की, अपनी बाईं तरफ भागकर एक आसान सा कैच पकड़ लिया। एंड जिम्बाब्वे इज इन ट्रबल एट द मोमेंट बिकॉज दे हैव लॉस्ट अनदर बिग विकेट। इट्स रायन बर्ल हु हैज गिवन हिज विकेट दिस टाइम। इट्स 91 फॉर फर्स्ट फॉर दिस जिम्बाब्वेन साइड एंड दे स्टिल रिक्वायर्ड 57 मोर रन टू विन द गेम इन जस्ट 42 डिलीवरीज, बट इफ यू सी द रिक्वायर्ड रेट इट्स स्टिल ओवर 8.14 runs per over from here on. The current run rate for the Zimbabwe is 7 runs per over. Craig Young will be bowling his last over. Craig Young, दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 3 over में 18 रन देखे एक सफलता इन्होंने निकाली है। शानदार गेंदबाजी आज के इस मैच में इनकी तरफ से हमें देखने को मिल रही है। आज हम जितनी तारीफ करेंगे इस टीम के दोस्तों उतनी कम रहेगी। बहुत लाजवाब क्रिकेट आपको इस मैच में इस टीम ने खेल कर दिखाई है। अगली गेंद लेकर आने के लिए गेंदबाज तैयार नजर आ रहे हैं। बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों ब्रायन बेनेट आते हुए, क्रेग यंग को पिछली विकेट मिली थी, बाउंसर मारी थी आप लोगों को बेनेट दाएं हाथ के, क्रेग यंग ने बाउंसर के ऊपर जबरदस्ती दोस्तों पुल शॉट मारने गए, और जब आप ज़बरदस्ती शॉट बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही आप अपनी विकेट जो है दोस्तों गेंदबाजों को दे देते हैं।
अब नया ओवर शुरू करने के लिए जोशुआ लिटिल अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। पहली गेंद बाएं हाथ से जोशुआ लिटिल की, शॉर्ट बॉल धीमी गति की गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन पर फ्लिक कर दिया, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया है। जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी आराम से पूरा कर लिया। तो जहां केवल एक रन की कोशिश की जा रही थी, वहां पे इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 202 रन पूरे कर लिए हैं। जब तक रजा खेल रहे हैं तब तक ये मैच 200 जीवित है इस टीम के लिए। एक बार अगर रजा आउट हो गए तो जिम्बाब्वे भी इस मैच से आउट हो जाएगी, लेकिन रजा ने ये चीज़ बिल्कुल सुनिश्चित की है कि ये शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी बैकफुट पे गए, पुल कर दिया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर फील्डर मौजूद थे, और जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए ये एक रन और पूरा कर लिया है। तो शॉर्ट गेंद थी जोशुआ लिटिल की, बड़े आराम से इस गेंद को पुल किया था स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, और जिम्बाब्वे 94 रनों के ऊपर पहुंचा इस मैच में। 94 रनों के ऊपर इस समय 4 विकेटें हो गई हैं 13.4 गेंदों की समाप्ति पे, 40 गेंदें 54 रनों की आवश्यकता। शॉट ऑफ स्टंप पर और ब्रायन बेनेट ने इस गेंद को फ्रंट फुट पर आके गेंद को केवल बैक टू द बॉलर खेल दिया। बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड किया है। आखिरी की 3 और गेंदें इस ओवर में मौजूद नजर आ रही हैं, और आखिरी की 3 गेंदों का सामना करने के लिए दोस्तों ब्रायन बेनेट जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं। तक आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। ये बाएं हाथ से जोशुआ लिटिल चौथी गेंद लेकर भागने के लिए तैयार हैं, दाएं हाथ के ब्रायन बेनेट तैयार नजर आ रहे हैं। शॉट थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट कर दिया, डीप पॉइंट बाउंड्री की दिशा में एक रन दौड़ते हुए दूसरे का कॉल किया है, लेकिन वहां डीप पॉइंट बाउंड्री की दिशा में एकमात्र फील्डर मौजूद थे, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ कर ये एक रन और पूरा कर लिया है। एक और स्ट्राइक जो है वो इन्होंने रोटेट कर ली, और अब जिम्बाब्वे जो है वो 95 रनों के ऊपर दोस्तों इस मैच में पहुंच चुका है, और 95 रनों के ऊपर 4 विकेट इस मैच में हो गई हैं ऑलरेडी। जोशुआ की ये 5वीं गेंद शॉर्ट थी, अंदर आती हुई गेंद इन स्विंग होकर सामने की तरफ सीधा शॉट लगाया बैक टू द बॉलर, बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर एक और सिंगल जो है वो ये लेने में कामयाब हो जाएंगे, और इस सिंगल के साथ दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है वो अब यहां रोटेट कर ली है। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज, और ये आखिरी गेंद दोस्तों इस ओवर के अंदर आने जा रही है बाएं हाथ की जोशुआ लिटिल की। ओ मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्टिस कैम्फर और सिकंदर रजा के बीच दोस्तों एक बहुत ही गंभीर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। अंपायर्स जो है वो बीच बचाव में आए हैं, सिकंदर रजा और कर्टिस कैम्फर के बीच हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ ऐसे मैंने नज़र हटाई और यहाँ दोस्तों दुर्घटना जो है वो घट गई है। मैं अभी देख ही नहीं रहा था टीवी की तरफ, लेकिन कर्टिस कैम्फर, और आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों कर्टिस कैम्फर और सिकंदर रजा के बीच जो है यहाँ पे विवाद हो गया है। और बता दें आप लोगों को कि यहाँ अंपायर्स जो हैं पॉल स्टर्लिंग को समझा रहे हैं, कुछ क्या कारण है ये दोस्तों अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है कारण क्या है। जोशुआ लिटिल की अगर हम बात करते हैं तो जोशुआ लिटिल बातचीत कर रहे थे, और फिर हम देखेंगे तो जोशुआ लिटिल वापस जा रहे थे गेंदबाजी छोर पे, और फिर हम देखेंगे दोस्तों तो आपको सिकंदर रजा कुछ कह रहे थे, फिर कर्टिस कैम्फर आए, और कर्टिस कैम्फर की अगर हम बात करते हैं तो कर्टिस कैम्फर कुछ कह रहे थे सिकंदर रजा को, और सिकंदर रजा ने कर्टिस कैम्फर को कुछ समझाया। ओ हो हो, ऐसा लग रहा है कि सिकंदर रजा दोस्तों बल्ले से लग रहा था कि जाके मार देंगे, लेकिन मारा नहीं, ये एक अच्छी चीज़ थी। फुलर लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ इस गेंद को केवल और केवल स्टीयर किया, बचा हुआ कार्य दोस्तों वहाँ बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने कर लिया है। इन्होंने बल्ला दिखा दिया था दोस्तों मारने के लिए, वो तो पास नहीं थे, अगर इर्द गिर्द होते तो शायद बल्ला भी चला देते यहाँ सिकंदर रजा, लेकिन बल्ला चलाया नहीं वो, और अभी भी अंपायर जो है दोस्तों कर्टिस कैम्फर को समझाते हुए
वो विवाद दोस्तों शायद मेरे ख्याल से इसलिए हुआ होगा कि वो जो है दोस्तों जोशुआ लिटिल से कुछ बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि आप मेरे लाइन पर ना आइए गेंदबाजी के लिए, लेकिन वो लगातार उनके छोर पर आ रहे थे जब ये भाग रहे थे उनके सामने। इसी वजह से दोस्तों उन्होंने समझाया, फिर कर्टिस कैम्फर बीच बचाव में आए अपनी टीम के लिए और उनके लिए भारी पड़ गया। ये अगली गेंद लेकर आ रहे हैं। देयर इज अ हीटेड एक्सचेंज बिटवीन रजा एंड कैम्फर। रजा शाउट्स एनिमेटेडली एट द कैम्फर व्हाइल पॉइंटिंग हिज बैट एट हिम। अंपायर इंटरवेंस टू काम हिज हिम डाउन। पहली गेंद क्रेग यंग ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, ये अच्छी गेंद थी। उछाल लेने के बाद अंदर की तरफ आई सिकंदर रजा के लिए। तो क्रेग यंग अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं इस मैच में और तीन ओवर से एक गेंद में 18 रन देके एक सफलता निकाला है क्रेग यंग ने। और गेंदबाजी दोस्तों यंग कर रहे हैं, अपना चौथा ओवर डाल रहे हैं ओवर द विकेट से। ये दूसरी गेंद बैटिंग क्रीज के ऊपर तैयार नजर आ रहे हैं ये खिलाड़ी। और कर्टिस कैम्फर नहीं, क्रेग यंग है दोस्तों ये गेंदबाज। तो यंग की ये दूसरी गेंद, शॉट थी शानदार पुल शॉट, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद हैं। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास खड़े फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए दोस्तों ये एक रन जो है वो पूरा कर लिया है। इस एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने जो है वो हम देख पा रहे हैं कि रोटेट कर लिया है। तो 97 पे 4 हैं जिम्बाब्वे 14 ओवर्स और 2 गेंदों के खेल की समाप्ति पर। अभी भी 4 और गेंदें जो हैं वो इस ओवर में मौजूद हैं और अगली 4 गेंदों का सामना करने के लिए बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों ब्रायन बेनेट नजर आ रहे हैं। जीतने के लिए 51 रन और चाहिए 34 गेंदों पे। दाएं हाथ से ये दौड़ना शुरू कर रहे हैं। शॉर्ट बॉल इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश और ये अनबिलीवेबल कैच मिड ऑफ के ऊपर फील्डर ने पकड़ लिया है। एक ऐसा कैच जो कि सदियों सदियों तक दोस्तों याद रहेगा। ये हैरी टेक्टर का शॉट थी ऑफ स्टंप पर, ब्रायन बेनेट ने मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की। मिड ऑफ के ऊपर खड़े हैरी टेक्टर अपनी बाई तरफ भाग कर गए और हवा में इन्होंने जंप मारी। हवा में जंप मारने के बाद अपने हाथ को लगाए रखा, कैचिंग पोजीशन पे बनाए रखा और गेंद जब ये हवा में उड़ रहे थे उसी समय इनके हाथों में आके ये कैच पकड़ लिया गया है। बहुत लाजवाब कैच, बेहतरीन कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस वी हैव सीन इन द पास्ट। सो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में मैंने ये सबसे बेहतरीन कैचेस में से एक देखा है यहाँ हैरी टेक्टर की तरफ से। ब्रायन बेनेट 4 गेंदों में 1 रन बना के आउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन। यहाँ दोस्तों गांडू को बल्लेबाजी करने के लिए उतारा जाना चाहिए, लेकिन कप्तान ने दोस्तों ग्वांडू को नहीं उतारा है, मंडांडी को उतार दिया है बल्लेबाजी में। तो मडांडी आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्लाइव मडांडी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ग्वांडू इसके बाद बैटिंग करने आएंगे। ट्रेवर ग्वांडू अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों। ट्रेवर ग्वांडू आज बहुत सारे रन उन्होंने पिटवाए थे, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं ट्रेवर ग्वांडू। आज देखते हैं उनको बल्लेबाजी के लिए उतारा जाता है या नहीं, लेकिन 15 मैचेस क्लाइव मडांडी के लिए। 67 रन 18 का हाईएस्ट स्कोर, 93 का स्ट्राइक रेट है दोस्तों। स्ट्राइक रेट बहुत धीमा है। क्लाइव मडांडी को समझना पड़ेगा कि यहाँ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहें, सिकंदर रजा को स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा दें। जिम्बाब्वे 97 पे 5 हैं, जहां क्रेग यंग इस ओवर की अगली गेंद शॉट थी मिडिल ऑफ स्टंप की लाइन पर, सीधा शॉट लगाया बल्लेबाज ने बैट और पैड लेकर आके गेंदबाज की तरफ और फॉलो थ्रू में दोस्तों इस बार इस गेंद को क्रेग यंग ने फील्ड कर लिया है। और जिम्बाब्वे 97 पे 5 हैं 14 ओवर और 4 गेंदों के बाद। क्रेग यंग दोस्तों इतनी ज्यादा बोल ली है हमने कि अब हमारे गले में जो है वो फंसना शुरू हो चुका है। लेकिन आखिरी की 2 गेंदे क्लाइव मडांडी सामना करने के लिए तैयार और क्लाइव मडांडी ने पुल मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं।
मडांडी बाल बाल बच गए। मडांडी शून्य पे खेल रहे हैं दो गेंदों का सामना करने के बाद। क्या मडांडी 201 चौका मार पाएंगे आखिरी गेंद के ऊपर? क्या रिक्वायर्ड रेट को 10 के नीचे ये बरकरार रख पाएंगे इस ओवर की समाप्ति पर? चलिए देखते हैं। दाएं हाथ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं क्रेग यंग। ये अंपायर को पार करके धीमी गति की गेंद डाली मिडिल एक्सट्रम की लाइन पर, सीधा शॉट, गेंद जा रही है वहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक रन के लिए। ओवर की हो गई है समाप्ति 15 के बाद 98, 5 विकेटों के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने 98 रन बना लिए हैं और 98 रनों के ऊपर दोस्तों अब तक आपको 5 विकेटें जो है वो गई हैं इस मैच में। तो ओवर जो है वो अब समाप्त हो गया है और अब इस ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर नजर आ रहा है वो है इस समय 98 रन और 98 रनों के ऊपर 5 विकेटें दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम के लिए जो है वो गया हुआ है। क्रेग यंग ने 4 ओवर में अब तक 20 रन दिए हैं, 2 सफलताएं अब तक इस मैच के अंदर इन्होंने हासिल की है। और अब गेंदबाजी में तब्दीली, और आप लोगों को बता दें कि नए ओवर की शुरुआत मार्क अडेयर कर रहे के लिए आ गए हैं। फुलर लेन डिलीवरी, खूबसूरत ड्राइव, मडांडी ने ये कमाल की टाइमिंग स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर खेल दिया है 4 रन के लिए। फुलर लेन डिलीवरी थी और इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है और गेंद जो है दोस्तों हम देखेंगे तो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ ही 102 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे। अभी भी 46 रनों की आवश्यकता 29 गेंदों के ऊपर जिम्बाब्वे को। दाएं हाथ से मार्क अडेयर की गेंद, बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों मौजूद हैं क्लाइव मडांडी। मडांडी के लिए पैरों पर डाली हुई गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जाती हुई स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को स्क्वेयर लेग का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा कर लिया है। तो दोस्तों तीसरी गेंद लेके चल रहे हैं मार्क अडेयर, और मार्क अडेयर की हम बात करेंगे तो इस समय 49 पे खेल रहे हैं सिकंदर रजा। और आखिरी की गेंद तो नहीं, लेकिन अभी भी 4 गेंदें इस ओवर में मौजूद हैं और ये दाएं हाथ से ओवर द विकेट से लेग स्टंप की लाइन पर सिकंदर रजा के लिए गेंद थी, फ्लिक कर दिया है स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ एक रन के लिए। तो एक रन के साथ 104 जिम्बाब्वे 5 विकेटों के नुकसान के बाद। 3 गेंदे अभी भी मौजूद, क्लाइव मडांडी बैटिंग क्रीज के ऊपर मौजूद नजर आ रहे हैं। और आइए देखते हैं दोस्तों मडांडी जो कि इस समय 6 रन पे खेल रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। दाएं हाथ से ये बाउंसर थी, मडांडी ने पुल मारने की कोशिश की, बल्ले पे गेंद लगी, स्क्वेले के पास पहुंची, जॉर्ज टॉकरेल मौजूद थे और जब तक इस गेंद को दोस्तों जॉर्ज टॉकरेल फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन पूरा कर लिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद लेके चल रहे हैं बैटिंग क्रीज पे दोस्तों जो मौजूद हैं वो हैं आपको मडांडी के बाद सिकंदर रजा। सिकंदर रजा 50 पे मौजूद हैं। दाएं हाथ से शॉर्ट बॉल फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर, विकेट कीपर के सर के ऊपर से पुल मार दिया 4 रनों के लिए। मुस्कुराते हुए दोस्तों मार्क अडेयर को देख के सिकंदर रजा, मार्क अडेयर उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। शॉर्ट बॉल थी सिकंदर रजा के लिए, पुल मारने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पर टकराने के बाद विकेट कीपर के सर के ऊपर से उड़ती हुई निकल गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो चौके के साथ स्कोर हो गया है बढ़ के 109 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद। अगली गेंद और ये आखिरी गेंद दोस्तों मार्क अडेयर आ रहे हैं करने के लिए पारी के 16वें ओवर में, इनका ये तीसरा ओवर आ रहा है। अडेयर की फुलर लेन डिलीवरी लेग स्टंप की तरफ फटकर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के पास कप्तान पॉल स्टर्लिंग मौजूद थे। स्टर्लिंग ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंद को ड्राइव लगा के चौका बचा लिया है। ओवर की समाप्ति हो गई है
16 के बाद 110, 6 विकेटों के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे। और सिकंदर रजा 37 गेंदों के ऊपर 55 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं। मडांडी ने 6 गेंदों के ऊपर 5 रन बनाए हैं, ओवर हो गया है समाप्त। तो 16 के बाद 110, 5 विकेटों के नुकसान के बाद जिम्बाब्वे की टीम का स्कोर नजर आ रहा है। 4 ओवर्स और मौजूद हैं और 4 ओवर्स यानी कि 24 और गेंदे दोस्तों मौजूद, 38 रनों की आवश्यकता है जिम्बाब्वे को। रिक्वायर्ड रेट की हम बात कर लेते हैं तो रिक्वायर्ड रेट अभी भी 9.50 का नज़र आ रहा है। ये पहली गेंद लेके चल रहे हैं नए गेंदबाज और बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देखेंगे दोस्तों तो बल्लेबाजी में तैयार नज़र आ रहे हैं सिकंदर रजा, जो कि 55 रनों के ऊपर 37 गेंदों का सामना करने के बाद खेल रहे हैं। ये पहली गेंद बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं। ओ हो हो, सिकंदर रजा का ये लाजवाब स्ट्रोक और बल्लेबाज ने इस गेंद को स्कूप कर दिया है फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से। ये लाजवाब स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोक पाने का। बैरी मकार्थी अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करने आए, धीमी गति की गेंद डाली थी और इस धीमी गति की गेंद के ऊपर बल्लेबाज नीचे की तरफ बैठ गए और स्कूप कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर। दर्शक दीर्घा में आधे दर्जन रन बल्लेबाज को इस गेंद के ऊपर मिल गए, कमाल का ये स्ट्रोक। इस छक्के के साथ ही प्रेशर दोस्तों अब आयरलैंड पर आ चुका है वापस। क्यों? क्योंकि अब आयरलैंड की टीम जो है वो केवल 32 रन डिफेंड करने हैं 23 गेंदों के ऊपर। मकार्थी की दूसरी गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा के लिए, कमाल की बल्लेबाजी इस मैच में सिकंदर के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, सामने की तरफ सीधा खेला, गेंदबाज ने अपनी बाईं तरफ छलांग मार के इस गेंद को फील्ड कर लिया और इन दोनों बल्लेबाजों को रन लेने का कोई मौका इस दूसरी गेंद के ऊपर नहीं देंगे बैरी मकार्थी। पहली गेंद पे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर छक्का मारा था, दूसरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आया क्योंकि गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया था। 2 छक्के दोस्तों सिकंदर रजा ने इस मैच में मारे हैं, जिसमें 5 चौके भी दोस्तों सिकंदर रजा के नाम जो हैं इस मुकाबले के अंदर शामिल नजर आ रहे हैं। अगली गेंद बैरी मकार्थी की तरफ से, दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा तैयार नजर आ रहे हैं 61 रन बना के 39 गेंदों का सामना करने के बाद। बैरी मकार्थी की ये अगली गेंद, शॉर्ट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन ऑफ स्टंप पर डाली हुई एक लेंथ डिलीवरी, इनसाइड आउट शॉट, गेंद बहुत ऊंची गई है, वहां फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए एक रन पूरा कर लेंगे, दूसरा रन पूरा कर चुके हैं, तीसरा रन भागने की कोशिश और ये डायरेक्ट हिट मारने की आवश्यकता थी लेकिन डायरेक्ट हिट लग नहीं पाई है। और तीसरा रन भी दोस्तों क्लाइव मडांडी और सिकंदर रजा ने पूरा कर लिया है। इन 3 रनों के साथ जिम्बाब्वे 119 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद इस लेंथ गेंद के ऊपर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश की गई थी लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे बल्लेबाज उतने बेहतरीन तरीके से और 3 रन भागने में कामयाबी हासिल कर ली। तीसरे रन के ऊपर हिचकिचा रहे थे मडांडी लेकिन सिकंदर रजा ने दोस्तों शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दिखा के तीसरा रन भी पूरा करके जिम्बाब्वे को 119 पे पहुंचा दिया। अब केवल रिक्वायर्ड रेट दोस्तों 8.5 का हो चुका है, 10.5 से अब घटकर 8.5 का हो चुका है। मडांडी तैयार हैं बैटिंग में, 6 गेंदों में 7 रन बना के दोनों के बीच 12 गेंदों में 22 रनों की भागीदारी हो गई है। रिक्वायर्ड रेट 8.29, करंट रन रेट 7.21 का चलता हुआ इस समय जिम्बाब्वे के लिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं और मडांडी के लिए शॉर्ट बॉल, पुल मार दिया गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां इंतजार कर रहे हैं और वो केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे क्योंकि गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में एक और छक्का मडांडी के बल्ले से। बैरी मकार्थी की शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी कमर की ऊंचाई भर, इंतजार किया बल्लेबाज मडांडी ने और मडांडी ने इस गेंद को फिलहाल स्वाद छकाया स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर। दर्शक दीर्घा में खेलकर ये 6 रन्स के साथ ही जिम्बाब्वे 125 रनों के ऊपर पहुंची 5 विकेटों के नुकसान के बाद। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आप लोग ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो। मडांडी तैयार नजर आ रहे हैं, दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। एक और शॉर्ट बॉल दोबारा से पुल कर दिया, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास इस गेंद को पकड़ पाने का। स्क्वेयर लेग और मिड विकेट बाउंड्री के बीच बहुत लंबा गैप मौजूद था और इस शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी के ऊपर मडांडी ने पुल करके डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चौका खेल दिया है। पहले छक्का और अब चौका, प्रेशर किस पे है? अब गेंदबाजों पे है।
क्यों? क्योंकि दोस्तों अब यहां से 19 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट है वो अब दोस्तों बराबरी का हो चुका है। रिक्वायर्ड रेट अब 6 रन्स प्रति ओवर के हिसाब से केवल और केवल इस मैच में चाहिए। कभी कभी कहा जाता है कि अपने एग्रेशन को दोस्तों अपने पास रखें, क्योंकि जिस तरीके से आज इस मैच में बल्लेबाजी की है दोस्तों ये दिखा रहे हैं, अगर वो गलतियां नहीं हुई होती। आयरलैंड की टीम की तरफ से शॉर्ट बॉल दोबारा से पुल कर दिया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। यहां जब तक इस गेंद को डीप से फील्डर फील्ड करता थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा कर लिया। एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया। जिम्बाब्वे 130 रन पे 5 विकेट्स हो चुके हैं, 130 रन पे 5 विकेट्स 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद, यानी कि अब यहां से दोस्तों केवल 18 गेंदों का खेल और मौजूद नजर आ रहा है। 18 गेंदे यानी कि दोस्तों करीब करीब आप देख सकते हैं सिकंदर रजा 64 रन बनाकर खेल रहे हैं, 18 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। आसान नहीं होगा ये मैच के अंदर दोस्तों जीत दर्ज कर पाना, लेकिन मुश्किल भी नहीं होने वाला है। अब यहां से एक आसान से जीत जो है वो मुझे अब नजर आ रही है इस टीम के लिए। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और दबा दीजिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन के बटन को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र दोस्तों हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब, 2,77,500 सब्सक्राइबर्स पे हम पहुंच जाएंगे। 2,77,499 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो जल्दी से आप में से एक और मित्र सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक करने के बाद दोस्तों अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। जो जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के बाद अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी जल्दी। पहली गेंद पैरों पर आती हुई ओवर द विकेट से और नए ओवर की शुरुआत की, पहली गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन दौड़ेंगे। दूसरे का कॉल किया है, जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। तो जोशुआ लिटिल आ गए हैं नए ओवर की शुरुआत पे, पहली गेंद पे 2 रन बटोरे बल्लेबाज मंडांडी ने। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। 17 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। वो जोशुआ लिटिल और सिकंदर रजा के बीच दोस्तों वो फाइट हुई थी। ओ हो तेज गेंद थी, बीट किया बल्ले के इनसाइड एज को छोड़कर गेंद सीधा लेग स्टंप के डंडों को टकरा गई है, और जिम्बाब्वे के मडांडी जो कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो बोल्ड आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई ये गेंद थी, सामने की तरफ इस शॉट को खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहां कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद जाकर सीधा लेग स्टंप के डंडों को टकरा गई, और गेंद जाकर दोस्तों स्टंप्स पे टकराने की वजह से ये इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 132 रनों के ऊपर इस मैच में ये 6th विकेट गंवा दिया है इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। तो ये बड़ा झटका, और इस बड़े झटके के साथ ही जिम्बाब्वे 132 रन 132 पे 6 विकेट्स, अभी भी इस ओवर में 4 और गेंदें मौजूद हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग दबाइए, क्योंकि अगली गेंद लेकर आने के लिए जोशुआ लिटिल की गेंदबाजी पर तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। नए बल्लेबाज दाएं हाथ के लुक जोंगवे, जो कि आज गेंदबाजी नहीं किए हैं, लेकिन अब दोस्तों इनको बल्लेबाजी के अंदर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प हो चुका है इस मैच में, किस तरीके का ये प्रदर्शन जो है वो करेंगे इस मैच में। तो जोशुआ लिटिल आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए। बैटिंग क्रीज के ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं, दाएं हाथ के लुक जोंगवे। जोंगवे के लिए इस ओवर की तीसरी गेंद आती हुई, लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, और इस गेंद को बल्लेबाज ने यॉर्कर लेन की गेंद को सामने की तरफ केवल और केवल बल्ले को लगा दिया। गेंद बल्ले पर टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंच गई, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर यह डॉट बॉल आ गया है, इस डॉट बॉल के साथ स्कोर 132 रन 6 विकेटों के नुकसान के बाद। आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को आप लोग भी दबाइए, फटाफट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज, बैटिंग क्रीज के ऊपर ये खिलाड़ी तैयार नजर आते हुए। बाएं हाथ से फुलर लेन डिलीवरी मिडिल एक्सटर्म की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी, और सीधा शॉट लगा दिया बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के मिडॉन के पास पहुंच गई। ओवर की फिलहाल 4th गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हो गए हैं,
और इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने हम देख पा रहे हैं दोस्तों जो है वो रोटेट कर ली है। अगली गेंद आ रहे हैं लेकर बैटिंग क्रीज के ऊपर जो है दोस्तों वो बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। बाएं हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाज लेकर आते हुए इस ओवर की अगली गेंद को बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देख पा रहे हैं बल्लेबाज इस ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल के ऊपर तैयार नजर आ रहे हैं सिकंदर रजा। शॉर्ट गेंद थी, पैरों पर फ्लिक किया ऑन साइड में, गेंद बल्ले पर टकराई, मिड ऑन की दिशा में पहुंची। जब तक इस गेंद को मिड ऑन का फील्डर वहां फील्ड करता थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए ये एक रन पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे 134 पे 6 हैं 17 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद। 18वें ओवर की दोस्तों ये आखिरी गेंद, सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर दाएं हाथ के लुक जोंगवे तैयार नजर आ रहे हैं जिन्होंने दो गेंदों में एक रन अब तक इस मैच में बनाया है। तो एक रन अब तक बनाया है लुक जोंगवे ने और सिकंदर रजा 65 रन बना के 41 गेंदों का सामना करने के बाद इस खेल के अंदर फिलहाल इन्होंने अब तक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जोशुआ लिटिल की ऑफ स्टंप के बाहर ये फुलर लेन डिलीवरी, रन आउट नहीं होंगे। डायरेक्ट हिट मारनी थी दोस्तों मिड ऑफ से, लेकिन डायरेक्ट हिट वहां मारने में असफल रहे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेज गति से ये एक रन पूरा कर लिया है। एक रन के साथ जिम्बाब्वे 135 6 विकेटों के नुकसान के बाद 18 ओवरों का खेल इस मैच में हो गया है समाप्त। 18 के बाद जिम्बाब्वे 135 पे 6 और ये ओवर की समाप्ति हो गई है। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 135 पे 6 विकेट्स, जोशुआ लिटिल का चौथा ओवर समाप्त। 12 गेंदों में 13 रनों की और आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए चाहिए। तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहिएगा क्योंकि 18 ओवर्स के खेल की समाप्ति हो गई है। 18 ओवर्स के खेल की समाप्ति के बाद अब अगला ओवर शुरू करने के लिए दोस्तों जोशुआ लिटिल ने अपने 4 ओवर के स्पेल को अब समाप्त कर दिया है। जोशुआ लिटिल के 4 ओवर के स्पेल की जो है वो अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों समाप्ति जो है वो ऑलरेडी हो गई है। तो जोशुआ लिटिल के इस ओवर की समाप्ति के बाद अब हम देख पा रहे हैं फिलहाल जो है वो नज़र आता हुआ दोस्तों स्कोर 135 रन और 135 रनों के ऊपर 6 विकेटें गई हुई हैं। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज, बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाज तैयार। ओहो हो, शॉर्ट बॉल मार्क अडेयर की बाउंसर गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है और एक बहुत ही सरल सा कैच पकड़ लिया है विकेट के पीछे। जिम्बाब्वे 135 पे गवाता हुआ ये अपना 7वां विकेट। पुल मारने की कोशिश इस नए ओवर की पहली गेंद पर और बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच गई। ये मैच बहुत ज़्यादा रोमांचक क्षणों पे दोस्तों पहुंच गया है और इतना ज़्यादा रोमांचक हो चला है ये मुकाबला यहाँ से कि दोस्तों अब ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि आखिरकार ये मैच में कौन सी टीम जो है वो अब जीतने जा रही है। अगली गेंद आ रहे हैं लेकर बैटिंग क्रीज के ऊपर ये खिलाड़ी तैयार। देखते हैं दोस्तों इस ओवर की अगली गेंद पे कहाँ खेलने वाले हैं इस शॉट को। बैटिंग पे मौजूद आ गए हैं ग्वांडू। जी हाँ दोस्तों, ग्वांडू बैटिंग के ऊपर आ चुके हैं जिन्होंने आज गेंदबाजी के साथ खूब जौहर बिखेरे हैं, बहुत सारे रन्स देखे। तो ग्वांडू मिडिल स्टंप का गार्ड ले रहे हैं और देखते हैं दोस्तों ग्वांडू जो हैं वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं इस मैच में। ग्वांडू आज एक अच्छा प्रदर्शन दोस्तों करने की ज़रूर उम्मीद कर रहे होंगे। क्या ग्वांडू दोस्तों इस मैच में कुछ कमाल कर पाएंगे, आइए देखते हैं। नए ओवर की शुरुआत, दाएं हाथ से ओवर द विकेट से ये पहली गेंद आती हुई, लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, मिडल लेग स्टंप की लाइन की गेंद को सीधा मिड ऑन की तरफ खेला। एक रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट मारने की आवश्यकता थी लेकिन डायरेक्ट हिट मार नहीं पाए और सिकंदर रजा को स्ट्राइक इन्होंने दे दी है। तो ग्वांडू को जो कार्य के लिए यहाँ पर लाया गया था वो कार्य इन्होंने पहली ही गेंद पर कर दिया है और एक रन इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों दौड़कर पूरा कर लिया है। तो जिम्बाब्वे 136 पर 7 हैं। अगली गेंद लेकर चल रहे हैं दाएं हाथ के मार्क अडेया इस ओवर की तीसरी गेंद।
बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों सिकंदर रजा जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। सिकंदर रजा 65 रन बना के 41 गेंदों का सामना किया है सिकंदर रजा ने। मार्क अडेयर की इस ओवर की अगली गेंद, बैटिंग क्रीज के ऊपर दाएं हाथ के सिकंदर रजा तैयार। फुलर लेंथ डिलीवरी, लेग स्टंप की लाइन पर बहुत ज़्यादा बाहर ये गेंद, इतनी ज़्यादा बाहर ये गेंद कि अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा करार दिया। 137 पे 7 है जिम्बाब्वे, 18 ओवर्स और 2 गेंदों के खेल की समाप्ति पर। मार्क अडेयर ने 3.2 गेंदों में 34 रन दिए हैं अब तक। एक सफलता अब तक मार्क अडेयर को इस मैच में मिली है, जहां ये अगली गेंद लेके चल रहे हैं सिकंदर रजा को मार्क अडेयर इस ओवर की तीसरी गेंद। ओ धीमी गति की गेंद, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एकमात्र फील्डर मौजूद थे और वो भी पॉल स्टर्लिंग को ये एक आसान सा कैच दे दिया है। सिकंदर रजा 42 गेंदों में 65 रनों की पारी खेलकर अपनी विकेट गंवाकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। धीमी गति की ये गेंद थी ऑफ स्टंप पर, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज सिकंदर रजा की तरफ से। सिकंदर रजा गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए जिस तरीके से चाहते थे और गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथों में दे दिया है और जिम्बाब्वे ने 137 रनों के ऊपर ये 8वीं विकेट गंवा दी है। बहुत बड़ी विकेट, सिकंदर रजा नाखुश नजर आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रिचर्ड एंगवारा को समझाते हुए इस समय सिकंदर रजा बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों को बाएं हाथ के रिचर्ड एंगवारा और दाएं हाथ के यहाँ गुआंडू बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वांडू और उनके साथ दोस्तों रिचर्ड एंगवारा, ये हैं दोनों क्रीज पे। 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है, जब तक मैच की दोस्तों आखिरी गेंद ना डाल दी जाए तब तक ये मैच खत्म नहीं हुआ है। अभी इस गेंद के ऊपर मुझे लगता है कि दोस्तों अगली 3 गेंदों में कम से कम एक चौका रिचर्ड एंगवारा मारने वाले हैं। फील्डिंग की सजावट एक बार आप लोगों को बता दें, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर के पास, एक पॉइंट के पास, एक स्क्वेयर लेग के पास, फाइन लेग स्क्वेयर लेग बाउंड्री पे मौजूद हैं। और ये अगली गेंद मार्क अडेयर दौड़ने के लिए आ रहे थे लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे, इसी वजह से गेंदबाज मार्क अडेयर ने ये गेंद डाली ही नहीं। मार्क अडेयर ने धीमी गति की गेंद के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी थी, वो शॉट मारने की कोशिश इनसाइड आउट शॉट और सीधा कैच को दे दिया था। फिलहाल पिछले ओवर के इसी ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज सिकंदर रजा ने धीमी गति की गेंद ऑफ कटर की तरह स्लॉग स्वीप करने की कोशिश रिचर्ड एंगवारा की तरफ से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। और आप लोगों को याद दिला दें, मार्क अडेयर आयरलैंड के खिलाड़ी बन गए हैं 72 मैचेस में 100 विकेट पूरे करने वाले, दूसरे सबसे तेज T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज। पहले नंबर पर राशिद खान 53 मैचेस में, लसित मलिंगा 76 मैचेस में नंबर 3 पे और नंबर 4 पे इस सोडी हैं। इस गेंद पे चौका या छक्का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक था जिम्बाब्वे के लिए। दौड़ना शुरू किया मार्क अडेयर ने ओवर द विकेट से, शॉर्ट बॉल थी इस गेंद के पास, सामने मारा है लेकिन मिड ऑफ के पास फील्डर मौजूद हैं और मिड ऑफ का फील्डर आगे की तरफ आके जब तक फील्ड करता थ्रो करता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे 138 पे 8। याद होगा आप लोगों को गुआंडू ही वो गेंदबाज थे जो आखिरी ओवर में 20 या 25 रन पिटवाए थे और अब गुआंडू को दोस्तों कुछ उसी तरीके की बल्लेबाजी कर दिखानी होगी इस मैच में, क्योंकि गुआंडू जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की थी आखिरी में उसी तरीके से दोस्तों धुनाई करनी होगी इनको आखिरी ओवर के अंदर, जो भी आएगा गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेके। इस ओवर की आखिरी गेंद लेके चलने के लिए तैयार दाएं हाथ के मार्क अडेयर। ओवर द विकेट से ये पैरों पर आती हुई गेंद गुआंडू के लिए, गुआंडू ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और गुआंडू ने सिंगल पूरा कर लिया है। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया और गुआंडू ने स्ट्राइक अपने पास दोस्तों जो है वापस रख ली है। तो अच्छा प्रदर्शन दोस्तों गुआंडू की तरफ से, एक सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता, आखिरी ओवर कौन डालेगा दोस्तों इस समय आयरलैंड के लिए ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि दोस्तों कहीं ये सुपर ओवर में हम इस मैच के अंदर ना बढ़ जाएं। 139 पे 8 है जिम्बाब्वे 19 ओवरों के खेल की समाप्ति पर। 6 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता जिम्बाब्वे को चाहिए।
बैटिंग पे मौजूद हैं ट्रेवा वेस्ली ग्वांडू, और दूसरी तरफ आप लोगों को मौजूद हैं रिचर्ड एंगवारा। आखिरी ओवर शुरू होता हुआ और बैरी मकार्थी दोस्तों आ रहे हैं इस नए ओवर की शुरुआत के ऊपर। धीमी गति की गेंद, पुल मारने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। नाम बड़े ग्वांडू के, दर्शन छोटे दोस्तों इस समय ग्वांडू के। जिस तरीके की खराब गेंदबाजी की थी उतनी ही खराब ये बल्ला भाज रहे हैं। आंखों को खोलकर बल्ला भाजेंगे तो शायद चौके छक्के लग सकते हैं, लेकिन ग्वांडू साहब को आंख खोलकर यहां पर खेलना पड़ेगा। आंखों को बंद करके दोस्तों बल्ला भाजेंगे तो एक आध शॉट लग सकता है, हर गेंद नहीं लगेगी। अगली गेंद बारी मकार्थी की, सामने दाएं हाथ के गांडू तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। और ये गांडू के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद, शॉट थी धीमी गति की, वापस बैक टू द बॉलर, उठा कर मारा गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। एक रन पूरा करेंगे, दूसरा रन पूरा करने की कोशिश, और ये दूसरा रन भी पूरा करने में कामयाब हो गए हैं इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। चार गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता, ग्वांडू खेल रहे हैं 4 गेंदों पे 4 रन बना के। 4 गेंदे मौजूद हैं, 7 रनों की आवश्यकता जिम्बाब्वे को। और देखते हैं दोस्तों ग्वांडू की बात करते हैं दोस्तों, तो इस समय 4 गेंदों के ऊपर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो ग्वांडो की लिए इस ओवर की तीसरी गेंद बारी मकार्थी की तरफ से ओवर द विकेट से। ग्वांडो तैयार, शॉर्ट बॉल, पुल मारा, मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल। दूसरा रन भागना चाहते हैं लेकिन नहीं भाग पाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा थ्रो दोस्तों डीप से आया। मिलेगा मात्र और मात्र एक और सिंगल। 3 गेंदें रह गई हैं बाकी, 3 गेंदों में चाहिए एक छक्का, चाहे वो आपको रिचर्ड एंगवारा मारे, चाहे वो वेस्ली गांडू मारे। तो दोस्तों देखते हैं आखिरी की 3 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। हाथ के बल्लेबाज रिचर्ड एंगवारा, ये इनकी गेंद अगर पाले में आ जाए और गेंद अगर कनेक्ट हो जाए तो दोस्तों गेंद इधर उधर नहीं गिरेगी। हमने देखा है रिचर्ड एंगवारा को दोस्तों पिछले ही साल या इसी साल की शुरुआत में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। बल्ला भांजते हैं तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरती है। चलिए देखते हैं, दाएं हाथ से राउंड द विकेट से आ रहे हैं बैरी मकार्थी। बैटिंग क्रीज के ऊपर ग्वांडू तैयार, शॉट ऑफ रिचर्ड एंगवारा तैयार, और ये पुल मार के गेंद को स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ चौका बटोर लिया है रिचर्ड एंगवारा ने। मैच रोमांचक पलों में आ चुका है। शॉर्ट बॉल थी, पुल कर दिया था गेंद को स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ, डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री पे फील्डर कोई मौजूद था नहीं, थोड़ा सा वाइड खड़े थे फाइन लेग बाउंड्री का, और डीप स्क्वेयर लेग के थोड़ी सी बगल में गेंद निकाल दिया है और गेंद स्क्वेयर लेग सीमा रेखा के बाहर। रिचर्ड एंगवारा के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका, और ये निर्णायक चौका दोस्तों इस मैच के अंदर। अब आखिरी की 2 गेंदे, 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी तरफ ग्वांडू जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ग्वांडू को दोस्तों सीखना चाहिए इस समय रिचर्ड एंगवारा से कि किस तरीके से शॉट मारा जाता है। ग्वांडू 5 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे हैं, रिचर्ड एंगवारा 3 गेंदों में 5 बना चुके हैं। तो ग्वांडू को अगले मैच में मुझे लगता है कि आराम दिया जाएगा, लेकिन आज दोस्तों ग्वांडू बस सिंगल और डबल पूरा कर ले। फील्डिंग में बदलाव किया जाता हुआ, एक बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर लगाया जा रहा है, एक मिड ऑफ के पास फील्डर 30 गज के घेरे में, एक एक्स्ट्रा कवर के पास फील्डर लगाया जाता हुआ, एक मिड ऑन पर फील्डर लगाया जाता हुआ, एक शॉट मिड विकेट के पास फील्डर लगाया जा रहा है। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद आती हुई, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे तो हम 1000 लाइक्स पे पहुंच जाएंगे। 999 दोस्तों ने इस वीडियो को अब लाइक कर दिया है। डीप मिड विकेट बाउंड्री, स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, ये 3 फील्डर लेग साइड में, और ये बैरी मकार्थी दौड़ना शुरू कर रहे हैं ओवर द विकेट से। शॉर्ट बॉल थी, स्लैश किया, गेंद बल्ले के टॉप एज पे लगी और एक शानदार कैच शॉट थर्ड मैन के ऊपर, क्या पकड़ लिया गया है। लग तो रहा है कि दोस्तों शॉट थर्ड मैन के ऊपर ये कैच पकड़ लिया गया है मार्क अडेयर के द्वारा, लेकिन इस कैच पकड़ने में मार्क अडेयर जो है दोस्तों वो चोटिल हो गए हैं। स्लैश किया था रिचर्ड एंगवारा ने, गेंद बल्ले पर टकराने के बाद शॉट थर्ड मैन के ऊपर खड़े फील्डर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा अपनी बाई तरफ जाके, और एक शानदार कैच पकड़ने के साथ ही जिम्बाब्वे ने अब अपनी 9वीं विकेट भी गंवा दी है।
लेकिन क्या कैच था भाई साहब, हेलीकॉप्टर शॉट चलाया था इस बार बल्लेबाज ने, और बहुत सुंदर कैच, लाजवाब कैच वहां मार्क अडेयर के द्वारा, और जिम्बाब्वे 146 पर 9 19.5 गेंदों की समाप्ति पे। आखिरी बल्लेबाज आ गए हैं अब जिम्बाब्वे की तरफ से बैटिंग के अंदर, और ये है ब्लेसिंग मुजरबानी। क्या ब्लेसिंग मुजरबानी दोस्तों टीम को अपनी ब्लेसिंग देने में कामयाब हो पाएंगे? तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों 999 दोस्तों ने अभी इस वीडियो को लाइक कर रखा है, तो जल्द से जल्द आप में से एक और मित्र फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम 1000 लाइक्स पे पहुंच जाएं। लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाइक करने वाले दोस्तों में प्रशांत जी ने किया है, प्रथम जी ने किया है, रिया जी ने कर दिया है, तमिल क्रिक जी ने कर दिया है, सबीर जी ने कर दिया है, रिया खत्म जी ने कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। चलिए दोस्तों कहीं हम सुपर ओवर की तरफ इस मैच के अंदर ना चले जाएं, क्योंकि सुपर ओवर होना तय नजर आ रहा है अगर एक रन ले लिया तो। चलिए आखिरी गेंद मार्क अडेयर ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं ये शानदार कैच पकड़ने के बाद, क्योंकि वो जब नीचे गिरे थे दोस्तों तो उनके कमर पे जो है वो दर्द आ गया था, यानी कि उनका पूरा भार जो था वो कमर के ऊपर फिलहाल गिरे, और इसी वजह से उनको चोट लग गई है, मांसपेशियों में उनके खिंचाव आ गया है। और दाएं हाथ के ब्लेसिंग मुजरबानी बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों तैयार, और ये ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कप्तान पॉल स्टर्लिंग बातचीत कर रहे हैं बैरी मकार्थी के साथ। मैच की आखिरी गेंद, एक रन की आवश्यकता, बैटिंग में ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार हैं, और इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार नजर आ रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों चैनल को, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम आपके साथ लाइव आए आगे से दोस्तों तब आप लोगों को हर मैच का नोटिफिकेशन मिलेगा। आखिरी गेंद बैरी मकार्थी की आती हुई, एक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक स्वीपर कवर, और एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट मिड विकेट, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, सिंगल बचाने की कोशिश ब्लेसिंग मुजरबानी के लिए। इस मैच की दोस्तों आखिरी गेंद आती हुई, अगर सिंगल भागेंगे तो ये सुपर ओवर में चला जाएगा मुकाबला, अगर यहाँ डबल भागते हैं तो ये मैच जिम्बाब्वे जीत जाएगी, अगर कोई रन नहीं आता है तो आयरलैंड जीत जाएगी इस मुकाबले को। उठाकर मारने की कोशिश, इनसाइड एज, गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, विकेट कीपर से ये मिस फील्डिंग हो गई, बाई के रूप में 2 रन पूरे कर लिए हैं जिम्बाब्वे ने, और इसी के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने इस मुकाबले को एकमात्र विकेट से जो है दोस्तों वो जीत लिया है। शानदार जीत जिम्बाब्वे के नाम, और बहुत ही खराब विकेट कीपिंग दोस्तों इस आखिरी गेंद के ऊपर विकेट कीपर लॉर्कन टक्कर ने कर ली, और लॉर्कन टक्कर की इस आखिरी गेंद के ऊपर मिस फील्डिंग की वजह से जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले के अंदर बाजी मार लिया है। महज और महज एक विकेट से, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑफ मार्जिन से ये मैच जो है दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम ने इस मैच को जीता है मात्र और मात्र एक विकेट से। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। जब आप स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोक पाने का। बैरी मकार्थी अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करने आए, धीमी गति की गेंद डाली थी, और इस धीमी गति की गेंद के ऊपर बल्लेबाज नीचे की तरफ बैठ गए और स्कूप कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर। दर्शक दीर्घा में आधे दर्जन रन बल्लेबाज को इस गेंद के ऊपर मिल गए, कमाल का ये स्ट्रोक। इस छक्के के साथ ही प्रेशर दोस्तों अब आयरलैंड पर आ चुका है वापस, क्यों? क्योंकि अब आयरलैंड की टीम जो है वो केवल 32 रन डिफेंड करने हैं 23 गेंदों के ऊपर। मकार्थी की दूसरी गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा के लिए, कमाल की बल्लेबाजी इस मैच में सिकंदर के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, सामने की तरफ सीधा खेला, गेंदबाज ने अपनी बाईं तरफ छलांग मार के इस गेंद को फील्ड कर लिया, और इन दोनों बल्लेबाजों को रन लेने का कोई मौका इस दूसरी गेंद के ऊपर नहीं देंगे बैरी मकार्थी। पहली गेंद पे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर छक्का मारा था, दूसरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आया क्योंकि गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया था। 2 छक्के दोस्तों सिकंदर रजा ने इस मैच में मारे हैं, जिसमें 5 चौके भी दोस्तों सिकंदर रजा के नाम जो हैं इस मुकाबले के अंदर शामिल नजर आ रहे हैं। अगली गेंद बैरी मकार्थी की तरफ से दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा तैयार नजर आ रहे हैं 61 रन बना के 39 गेंदों का सामना करने के बाद।
बैरी मकार्थी की ये अगली गेंद, शॉर्ट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन ऑफ स्टंप पर डाली हुई एक लेंथ डिलीवरी, इनसाइड आउट शॉट, गेंद बहुत ऊंची गई है, वहां फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए एक रन पूरा कर लेंगे, दूसरा रन पूरा कर चुके हैं, तीसरा रन भागने की कोशिश, और ये डायरेक्ट हिट मारने की आवश्यकता थी लेकिन डायरेक्ट हिट लग नहीं पाई है, और तीसरा रन भी दोस्तों क्लाइव मडांडी और सिकंदर रजा ने पूरा कर लिया है। इन तीन रनों के साथ जिम्बाब्वे 119 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद इस लेंथ गेंद के ऊपर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे बल्लेबाज उतने बेहतरीन तरीके से, और तीन रन भागने में कामयाबी हासिल कर ली। तीसरे रन के ऊपर हिचकिचा रहे थे मडांडी, लेकिन सिकंदर रजा ने दोस्तों शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दिखा के तीसरा रन भी पूरा करके जिम्बाब्वे को 119 पे पहुंचा दिया। अब केवल रिक्वायर्ड रेट दोस्तों 8.5 का हो चुका है, 10.5 से अब घटकर 8.5 का हो चुका है। मडांडी तैयार हैं बैटिंग में, 6 गेंद में 7 रन बना के दोनों के बीच 12 गेंद में 22 रनों की भागीदारी हो गई है। रिक्वायर्ड रेट 8.29, करंट रन रेट 7.21 का चलता हुआ इस समय जिम्बाब्वे के लिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं और मडांडी के लिए शॉर्ट बॉल पुल मार दिया गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां इंतजार कर रहे हैं और वो केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे क्योंकि गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में एक और छक्का मडांडी के बल्ले से। बैरी मकार्थी की शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी कमर की ऊंचाई भर, इंतजार किया बल्लेबाज मडांडी ने और मडांडी ने इस गेंद को फिलहाल स्वाद छकाया स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर, दर्शक दीर्घाओं में खेलकर ये 6 रन के साथ ही जिम्बाब्वे 125 रनों के ऊपर पहुंची 5 विकेटों के नुकसान के बाद। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आप लोग ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो। मडांडी तैयार नजर आ रहे हैं, दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ उठी, एक और शॉर्ट बॉल दोबारा से पुल कर दिया, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास इस गेंद को पकड़ पाने का, स्क्वेयर लेग और मिड विकेट बाउंड्री के बीच बहुत लंबा गैप मौजूद था और इस शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी के ऊपर मडांडी ने पुल करके डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चौका खेल दिया है। पहले छक्का और अब चौका, प्रेशर किस पे है, अब गेंदबाजों पे है, क्यों, क्योंकि दोस्तों अब यहां से 19 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट है वो अब दोस्तों बराबरी का हो चुका है। रिक्वायर्ड रेट अब 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से केवल और केवल इस मैच में चाहिए। कभी कभी कहा जाता है कि अपने एग्रेशन को दोस्तों अपने पास रखें, क्योंकि जिस तरीके से आज इस मैच में बल्लेबाजी की है दोस्तों ये दिखा रहे हैं, अगर वो गलतियां नहीं हुई होती। आयरलैंड की टीम की तरफ से शॉर्ट बॉल दोबारा से पुल कर दिया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, यहां जब तक इस गेंद को डीप से फील्डर फील्ड करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा कर लिया, एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया। जिम्बाब्वे 130 रन पे 5 विकेट्स हो चुके हैं, 130 रन पे 5 विकेट्स 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद, यानी कि अब यहां से दोस्तों केवल 18 गेंदों का खेल और मौजूद नजर आ रहा है। 18 गेंदे यानी कि दोस्तों करीब करीब आप देख सकते हैं सिकंदर रजा 64 रन बनाकर खेल रहे हैं, 18 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। आसान नहीं होगा ये मैच के अंदर दोस्तों जीत दर्ज कर पाना, लेकिन मुश्किल भी नहीं होने वाला है। अब यहां से एक आसान से जीत जो है वो मुझे अब नजर आ रही है इस टीम के लिए। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और दबा दीजिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन के बटन को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र दोस्तों हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब 2,77,500 सब्सक्राइबर्स पे हम पहुंच जाएंगे। 2,77,499 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो जल्दी से आप में से एक और मित्र सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक करने के बाद दोस्तों अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। जो जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी जल्दी। पहली गेंद पैरों पर आती हुई ओवर द विकेट से और नए ओवर की शुरुआत की, पहली गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन दौड़ेंगे, दूसरे का कॉल किया है, जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाता दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। तो जोशुआ लिटिल आ गए हैं नए ओवर की शुरुआत में, पहली गेंद पर 2 रन बटोरे बल्लेबाज मडांडी ने। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। 17 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है, वो जोशुआ लिटिल और सिकंदर रजा के बीच दोस्तों वो फाइट हुई थी। ओ हो तेज गेंद थी, बीट किया बल्ले के इनसाइड एज को छोड़कर गेंद सीधा लेग स्टंप के डंडों को टकरा गई है
और जिम्बाब्वे के मडांडी जो कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो बोल्ड आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई ये गेंद थी सामने की तरफ इस शॉट को खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहां कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद जाकर सीधा लेग स्टंप के डंडों को टकरा गई और गेंद जाकर दोस्तों स्टंप्स पर टकराने की वजह से ये इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 132 रनों के ऊपर इस मैच में ये छठा विकेट गंवा दिया है इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। तो ये बड़ा झटका और इस बड़े झटके के साथ ही जिम्बाब्वे 132 रन 132 पे 6 विकेट्स, अभी भी इस ओवर में 4 और गेंदें मौजूद हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग दबाइए, क्योंकि अगली गेंद लेकर आने के लिए जोशुआ लिटिल की गेंदबाजी पर तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। बल्लेबाज दाएं हाथ के लुक जोंगवे जो कि आज गेंदबाजी नहीं किए हैं, लेकिन अब दोस्तों इनको बल्लेबाजी के अंदर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प हो चुका है इस मैच में किस तरीके का ये प्रदर्शन जो है वो करेंगे इस मैच में। तो जोशुआ लिटिल आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए। बैटिंग क्रीज के ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं दाएं हाथ के लुक जोंगवे। जोंगवे के लिए इस ओवर की तीसरी गेंद आती हुई लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने यॉर्कर लेन की गेंद को सामने की तरफ केवल और केवल बल्ले को लगा दिया। गेंद बल्ले पर टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंच गई, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर यह डॉट बॉल आ गया है। इस डॉट बॉल के साथ स्कोर 132 रन 6 विकेटों के नुकसान के बाद। आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को आप लोग भी दबाइए, फटाफट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज। बैटिंग क्रीज के ऊपर ये खिलाड़ी तैयार नजर आते हुए बाएं हाथ से फुलर लेन डिलीवरी मिडिल लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी और सीधा शॉट लगा दिया बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के मिड ऑन के पास पहुंच गई। ओवर की फिलहाल चौथी गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हो गए हैं और इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने हम देख पा रहे हैं दोस्तों जो है वो रोटेट कर ली है। अगली गेंद आ रहे हैं लेकर बैटिंग क्रीज के ऊपर जो है दोस्तों वो बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। बाएं हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाज लेकर आते हुए इस ओवर की अगली गेंद को बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देख पा रहे हैं बल्लेबाज इस ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल के ऊपर तैयार नजर आ रहे हैं सिकंदर रजा। शॉट गेंद थी, पैरों पर फ्लिक किया ऑन साइड में, गेंद बल्ले पर टकराई मिड ऑन की दिशा में पहुंची। जब तक इस गेंद को मिड ऑन का फील्डर वहां फील्ड करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए ये एक रन पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे 134 पे 6 हैं 17 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद। 18वें ओवर की दोस्तों ये आखिरी गेंद सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर दाएं हाथ के लुक जोंगवे तैयार नजर आ रहे हैं जिन्होंने 2 गेंदों में 1 रन अब तक इस मैच में बनाया है। तो 1 रन अब तक बनाया है लुक जोंगवे ने और सिकंदर रजा 65 रन बना के 41 गेंदों का सामना करने के बाद इस खेल के अंदर फिलहाल इन्होंने अब तक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जोशुआ लिटिल की ऑफ स्टंप के बाहर ये फुलर लेन डिलीवरी, रन आउट नहीं होंगे। डायरेक्ट हिट मारनी थी दोस्तों मिड ऑफ से, लेकिन डायरेक्ट हिट वहां मारने में असफल रहे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेज गति से ये 1 रन पूरा कर लिया है। 1 रन के साथ जिम्बाब्वे 135 6 विकेटों के नुकसान के बाद 18 ओवरों का खेल इस मैच में हो गया है समाप्त। 18 के बाद जिम्बाब्वे 135 पे 6 और ये ओवर की समाप्ति हो गई है। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 135 पे 6 विकेट्स, जोशुआ लिटिल का चौथा ओवर समाप्त, 12 गेंदों में 13 रनों की और आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए चाहिए। तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि 18 ओवर्स के खेल की समाप्ति हो गई है। 18 ओवर्स के खेल की समाप्ति के बाद अब अगला ओवर शुरू करने के लिए दोस्तों जोशुआ लिटिल ने अपने 4 ओवर के स्पेल को अब समाप्त कर दिया है। जोशुआ लिटिल के 4 ओवर के स्पेल की जो है वो अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों समाप्ति जो है वो ऑलरेडी हो गई है। तो जोशुआ लिटिल के इस ओवर की समाप्ति के बाद अब हम देख पा रहे हैं फिलहाल जो है
वो नज़र आता हुआ दोस्तों, स्कोर 135 रन्स, और 135 रनों के ऊपर 6 विकेटें गई हुई हैं। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज, बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाज तैयार। ओ हो, शॉर्ट बॉल, मार्क अडेयर की बाउंसर गेंद, बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है और एक बहुत ही सरल सा कैच पकड़ लिया है विकेट के पीछे। जिम्बाब्वे 135 पे गवाता हुआ ये अपना सातवां विकेट। पुल मारने की कोशिश इस नए ओवर की पहली गेंद पर, और बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच गई। ये मैच बहुत ज़्यादा रोमांचक क्षणों पे दोस्तों पहुंच गया है, और इतना ज़्यादा रोमांचक हो चला है ये मुकाबला यहाँ से कि दोस्तों अब ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि आखिरकार ये मैच में कौन सी टीम जो है वो अब जीतने जा रही है। अगली गेंद आ रहे हैं लेकर, बैटिंग क्रीज के ऊपर ये खिलाड़ी तैयार। देखते हैं दोस्तों इस ओवर की अगली गेंद पे कहाँ खेलने वाले हैं इस शॉट को। बैटिंग पे मौजूद आ गए हैं ग्वांडू। जी हाँ दोस्तों, ग्वांडू बैटिंग के ऊपर आ चुके हैं, जिन्होंने आज गेंदबाजी के साथ खूब जौहर बिखेरे हैं, बहुत सारे रन्स देखे। तो ग्वांडू मिडिल स्टंप का गार्ड ले रहे हैं, और देखते हैं दोस्तों ग्वांडू जो है वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं इस मैच में। ग्वांडू आज एक अच्छा प्रदर्शन दोस्तों करने की ज़रूर उम्मीद कर रहे होंगे। क्या ग्वांडू दोस्तों इस मैच में कुछ कमाल कर पाएंगे, आइए देखते हैं। नए ओवर की शुरुआत, दाएं हाथ से ओवर द विकेट से ये पहली गेंद आती हुई, लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी। मिडल लेग स्टंप की लाइन की गेंद को सीधा मिड ऑन की तरफ खेला, एक रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट मारने की आवश्यकता थी लेकिन डायरेक्ट हिट मार नहीं पाए, और सिकंदर रजा को स्ट्राइक इन्होंने दे दी है। तो ग्वांडू को जो कार्य के लिए यहाँ पर लाया गया था वो कार्य इन्होंने पहली ही गेंद पर कर दिया है, और एक रन इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों दौड़कर पूरा कर लिया है। तो जिम्बाब्वे 136 पर साथ हैं। अगली गेंद लेकर चल रहे हैं दाएं हाथ के मार्क अडेया। इस ओवर की तीसरी गेंद, बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों सिकंदर रजा जो हैं वो तैयार नज़र आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। सिकंदर रजा 65 रन बना के 41 गेंदों का सामना किया है सिकंदर रजा ने। मार्क अडेयर की इस ओवर की अगली गेंद, बैटिंग क्रीज के ऊपर दाएं हाथ के सिकंदर रजा तैयार। फुलर लेंथ डिलीवरी, लेग स्टंप की लाइन पर बहुत ज़्यादा बाहर ये गेंद, इतनी ज़्यादा बाहर ये गेंद कि अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा करार दिया। 137 पे साथ है जिम्बाब्वे 18 ओवर्स और 2 गेंदों के खेल की समाप्ति पर। मार्क अडेयर ने 3.2 गेंदों में 34 रन दिए हैं अब तक, एक सफलता अब तक मार्क अडेयर को इस मैच में मिली है। जहां ये अगली गेंद लेके चल रहे हैं सिकंदर रजा को मार्क अडेयर इस ओवर की तीसरी गेंद। ओ धीमी गति की गेंद, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एकमात्र फील्डर मौजूद थे और वो भी पॉल स्टर्लिंग को ये एक आसान सा कैच दे दिया है। सिकंदर रजा 42 गेंदों में 65 रनों की पारी खेलकर अपनी विकेट गवाकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। धीमी गति की ये गेंद थी ऑफ स्टंप पर, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज सिकंदर रजा की तरफ से। सिकंदर रजा गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए जिस तरीके से चाहते थे, और गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथों में दे दिया है, और जिम्बाब्वे ने 137 रनों के ऊपर ये 8वीं विकेट गवा दी है, बहुत बड़ी विकेट। सिकंदर रजा नाखुश नजर आ रहे हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि रिचर्ड एंगवारा को समझाते हुए इस समय सिकंदर रजा बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों को बाएं हाथ के रिचर्ड एंगवारा, और दाएं हाथ के यहाँ ग्वांडू बल्लेबाजी कर रहे हैं। ग्वांडू और उनके साथ दोस्तों रिचर्ड एंगवारा, ये हैं दोनों क्रीज पे। 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है। जब तक मैच की दोस्तों आखिरी गेंद ना डाल दी जाए तब तक ये मैच ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इस गेंद के ऊपर मुझे लगता है कि दोस्तों अगली 3 गेंदों में कम से कम एक चौका रिचर्ड एंगवारा मारने वाले हैं। फील्डिंग की सजावट एक बार आप लोगों को बता दें, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर के पास, एक पॉइंट के पास, एक स्क्वायर लेग के पास, फाइन लेग, स्क्वायर लेग,
बाउंड्री पे मौजूद हैं और ये अगली गेंद मार्क अडेयर दौड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे, इसी वजह से गेंदबाज मार्क अडेयर ने ये गेंद डाली ही नहीं। मार्क अडेयर ने धीमी गति की गेंद के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी थी, वो शॉट मारने की कोशिश इनसाइड आउट शॉट और सीधा कैच को दे दिया था। फिलहाल पिछले ओवर के इसी ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज सिकंदर रजा ने धीमी गति की गेंद ऑफ कटर की तरह स्लॉग स्वीप करने की कोशिश रिचर्ड एंगवारा की तरफ से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। और आप लोगों को याद दिला दें, मार्क अडेयर आयरलैंड के खिलाड़ी बन गए हैं 72 मैचेस में 100 विकेट पूरे करने वाले, दूसरे सबसे तेज T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज। पहले नंबर पर राशिद खान 53 मैचेस में, लसित मलिंगा 76 मैचेस में नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे इस सोडी हैं। इस गेंद पे चौका या छक्का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक था जिम्बाब्वे के लिए। दौड़ना शुरू किया मार्क अडेयर ने ओवर द विकेट से, शॉर्ट बॉल थी, इस गेंद के पास सामने मारा है, लेकिन मिड ऑफ के पास फील्डर मौजूद हैं और मिड ऑफ का फील्डर आगे की तरफ आके जब तक फील्ड करता थ्रो करता, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे 138 पे 8। याद होगा आप लोगों को, गुआंडू ही वो गेंदबाज थे जो आखिरी ओवर में 20 या 25 रन पिटवाए थे, और अब गुआंडू को दोस्तों कुछ उसी तरीके की बल्लेबाजी कर दिखानी होगी इस मैच में, क्योंकि गुआंडू जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की थी आखिरी में, उसी तरीके से दोस्तों धुनाई करनी होगी इनको आखिरी ओवर के अंदर, जो भी आएगा गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेके। इस ओवर की आखिरी गेंद लेके चलने के लिए तैयार दाएं हाथ के मार्क अडेयर। ओवर द विकेट से ये पैरों पर आती हुई गेंद गुआंडू के लिए, गुआंडू ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और गुआंडू ने सिंगल पूरा कर लिया है। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया और गुआंडू ने स्ट्राइक अपने पास दोस्तों जो है वापस रख ली है। तो अच्छा प्रदर्शन दोस्तों गुआंडू की तरफ से, एक सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता, आखिरी ओवर कौन डालेगा दोस्तों इस समय आयरलैंड के लिए, ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि दोस्तों कहीं ये सुपर ओवर में हम इस मैच के अंदर ना बढ़ जाएं। 139 पे 8 है जिम्बाब्वे 19 ओवरों के खेल की समाप्ति पर। 6 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता जिम्बाब्वे को चाहिए। बैटिंग पे मौजूद हैं ट्रेवा वेस्ली गुआंडू और दूसरी तरफ आप लोगों को मौजूद हैं रिचर्ड एंगवारा। आखिरी ओवर शुरू होता हुआ और बैरी मकार्थी दोस्तों आ रहे हैं इस नए ओवर की शुरुआत के ऊपर। धीमी गति की गेंद, पुल मारने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। नाम बड़े गुआंडू के, दर्शन छोटे दोस्तों इस समय गुआंडू के, जिस तरीके की खराब गेंदबाजी की थी उतनी ही खराब ये बल्ला भाज रहे हैं। आंखों को खोलकर बल्ला भाजेंगे तो शायद चौके छक्के लग सकते हैं, लेकिन गुआंडू साहब को आंख खोलकर यहां पर खेलना पड़ेगा। आंखों को बंद करके दोस्तों बल्ला भाजेंगे तो एक आध शॉट लग सकता है, हर गेंद नहीं लगेगी। अगली गेंद बारी मकार्थी की, सामने दाएं हाथ के गुआंडू तैयार बल्लेबाजी करने के लिए है। ये गुआंडू के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद, शॉट थी धीमी गति की, वापस बैक टू द बॉलर, उठा कर मारा गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, एक रन पूरा करेंगे, दूसरा रन पूरा करने की कोशिश और ये दूसरा रन भी पूरा करने में कामयाब हो गए हैं इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। 4 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता, गुआंडू खेल रहे हैं 4 गेंदों पर 4 रन बना के, 4 गेंदे मौजूद हैं, 7 रनों की आवश्यकता जिम्बाब्वे को। और देखते हैं दोस्तों गुआंडू की बात करते हैं दोस्तों, तो इस समय 4 गेंदों के ऊपर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो गुआंडू की लिए इस ओवर की तीसरी गेंद बारी मकार्थी की तरफ से ओवर द विकेट से, गुआंडू तैयार, शॉर्ट बॉल, पुल मारा मिड विकेट बाउंड्री पे, फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल, दूसरा रन भागना चाहते हैं लेकिन नहीं भाग पाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा थ्रो दोस्तों डीप से आया, मिलेगा मात्र और मात्र एक और सिंगल। 3 गेंदें रह गई हैं बाकी, 3 गेंदों में चाहिए एक छक्का, चाहे वो आपको रिचर्ड एंगवारा मारे, चाहे वो वेस्ली गुआंडू मारे। तो दोस्तों देखते हैं आखिरी की 3 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। हाथ के बल्लेबाज रिचर्ड एंगवारा, ये इनकी गेंद अगर पाले में आ जाए और गेंद अगर कनेक्ट हो जाए तो दोस्तों गेंद इधर उधर नहीं गिरेगी। हमने देखा है रिचर्ड एंगवारा को दोस्तों पिछले ही साल या इसी साल की शुरुआत में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, बल्ला भांजते हैं तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरती है।
चलिए देखते हैं, दाएं हाथ से राउंड द विकेट से आ रहे हैं बैरी मकार्थी। बैटिंग क्रीज के ऊपर ग्वांडो तैयार, शॉट ऑफ लेंथ रिचर्ड एंगवारा तैयार, और ये पुल मार के गेंद को स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ चौका बटोर लिया है रिचर्ड एंगवारा ने। मैच रोमांचक पलों में आ चुका है, शॉर्ट बॉल थी, पुल कर दिया था गेंद को स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ, डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री पे फील्डर कोई मौजूद था नहीं, थोड़ा सा वाइड खड़े थे फाइन लेग बाउंड्री का, और डीप स्क्वेयर लेग के थोड़ी सी बगल में गेंद निकाल दिया है और गेंद स्क्वेयर लेग सीमा रेखा के बाहर रिचर्ड एंगवारा के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका, और ये निर्णायक चौका दोस्तों इस मैच के अंदर। अब आखिरी की दो गेंदों में दो रनों की आवश्यकता, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी तरफ ग्वांडो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ग्वांडो को दोस्तों सीखना चाहिए इस समय रिचर्ड एंगवारा से कि किस तरीके से शॉट मारा जाता है। ग्वांडो 5 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे हैं, रिचर्ड एंगवारा 3 गेंदों में 5 बना चुके हैं, तो ग्वांडो को अगले मैच में मुझे लगता है कि आराम दिया जाएगा। लेकिन आज दोस्तों ग्वांडो बस सिंगल और डबल पूरा कर ले। फील्डिंग में बदलाव किया जाता हुआ, एक बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर लगाया जा रहा है, एक मिड ऑफ के पास फील्डर 30 गज के घेरे में, एक एक्स्ट्रा कवर के पास फील्डर लगाया जाता हुआ, एक मिड ऑन पर फील्डर लगाया जाता हुआ, एक शॉर्ट मिड विकेट के पास फील्डर लगाया जा रहा है। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद आती हुई, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे तो हम 1000 लाइक्स पे पहुंच जाएंगे। 999 दोस्तों ने इस वीडियो को अब लाइक कर दिया है। डीप मिड विकेट बाउंड्री, स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, ये तीन फील्डर लेग साइड में, और ये बैरी मकार्थी दौड़ना शुरू कर रहे हैं ओवर द विकेट से। शॉर्ट बॉल थी, स्लैश किया, गेंद बल्ले के टॉप एज पे लगी और एक शानदार कैच शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, क्या पकड़ लिया गया है, लग तो रहा है कि दोस्तों शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर ये कैच पकड़ लिया गया है मार्क अडेयर के द्वारा। लेकिन इस कैच पकड़ने में मार्क अडेयर जो है दोस्तों वो चोटिल हो गए हैं। स्लैश किया था रिचर्ड एंगवारा ने, गेंद बल्ले पर टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर खड़े फील्डर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा अपनी बाई तरफ जाके, और एक शानदार कैच पकड़ने के साथ ही जिम्बाब्वे ने अब अपनी 9वीं विकेट भी गंवा दी है। लेकिन क्या कैच था भाई साहब, हेलीकॉप्टर शॉट चलाया था इस बार बल्लेबाज ने, और बहुत सुंदर कैच, लाजवाब कैच वहां मार्क अडेयर के द्वारा, और जिम्बाब्वे 146/9 19.5 गेंदों की समाप्ति पे। आखिरी बल्लेबाज आ गए हैं अब जिम्बाब्वे की तरफ से बैटिंग के अंदर, और ये है ब्लेसिंग मुजरबानी। क्या ब्लेसिंग मुजरबानी दोस्तों टीम को अपनी ब्लेसिंग देने में कामयाब हो पाएंगे, तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों 999 दोस्तों ने अभी इस वीडियो को लाइक कर रखा है, तो जल्द से जल्द आप में से एक और मित्र फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम 1000 लाइक्स पर पहुंच जाएं। लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाइक करने वाले दोस्तों में प्रशांत जी ने किया है, प्रथम जी ने किया है, रिया जी ने कर दिया है, तमिल क्रिक जी ने कर दिया है, सबीर जी ने कर दिया है, रिया खत्म जी ने कर दिया है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। चलिए दोस्तों कहीं हम सुपर ओवर की तरफ इस मैच के अंदर ना चले जाएं, क्योंकि सुपर ओवर होना तय नज़र आ रहा है अगर एक रन ले लिया तो। चलिए आखिरी गेंद मार्क अडेयर ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं ये शानदार कैच पकड़ने के बाद, क्योंकि वो जब नीचे गिरे थे दोस्तों तो उनके कमर पे जो है वो दर्द आ गया था, यानी कि उनका पूरा भार जो था वो कमर के ऊपर फिलहाल गिरे और इसी वजह से उनको चोट लग गई है, मांसपेशियों में उनके खिंचाव आ गया है। और दाएं हाथ के ब्लेसिंग मुजरबानी बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों तैयार, और ये ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कप्तान पॉल स्टर्लिंग बातचीत कर रहे हैं बैरी मकार्थी के साथ। मैच की आखिरी गेंद, एक रन की आवश्यकता, बैटिंग में ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार हैं, और इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार नजर आ रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम आपके साथ लाइव आएँ आगे से दोस्तों, तब आप लोगों को हर मैच का नोटिफिकेशन मिलेगा। आखिरी गेंद बैरी मकार्थी की आती हुई, एक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक स्वीपर कवर और एक मिड ऑफ,
एक शॉर्ट मिड विकेट लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, दीप स्क्वेलेक पे फील्डर मौजूद, सिंगल बचाने की कोशिश ब्लेसिंग मुजरबानी के लिए। इस मैच की दोस्तों आखिरी गेंद आती हुई, अगर सिंगल भागेंगे तो ये सुपर ओवर में चला जाएगा मुकाबला, अगर यहाँ डबल भागते हैं तो ये मैच जिम्बाब्वे जीत जाएगी, अगर कोई रन नहीं आता है तो आयरलैंड जीत जाएगी इस मुकाबले को। उठाकर मारने की कोशिश, इनसाइड एज, गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, विकेट कीपर से ये मिस फील्डिंग हो गई। बाई के रूप में 2 रन पूरे कर लिए हैं जिम्बाब्वे ने, और इसी के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने इस मुकाबले को एकमात्र विकेट से जो है दोस्तों वो जीत लिया है। शानदार जीत जिम्बाब्वे के नाम, और बहुत ही खराब विकेट कीपिंग दोस्तों इस आखिरी गेंद के ऊपर विकेट कीपर लॉरकेन टक्कर ने कर ली, और लॉरकेन टक्कर की इस आखिरी गेंद के ऊपर मिस फील्डिंग की वजह से जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले के अंदर बाजी मार लिया है। महज और महज 1 विकेट से, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑफ मार्जिन से ये मैच, जवाब स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोक पाने का। बैरी मकार्थी अपने 3रे ओवर की शुरुआत करने आए, धीमी गति की गेंद डाली थी, और इस धीमी गति की गेंद के ऊपर बल्लेबाज नीचे की तरफ बैठ गए और स्कूप कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर। दर्शक दीर्घा में 0.5 दर्जन रन बल्लेबाज को इस गेंद के ऊपर मिल गए, कमाल का ये स्ट्रोक। इस छक्के के साथ ही प्रेशर दोस्तों अब आयरलैंड पर आ चुका है वापस, क्यों? क्योंकि अब आयरलैंड की टीम जो है वो केवल 32 रन डिफेंड करने हैं 23 गेंदों के ऊपर। मकार्थी की दूसरी गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा के लिए, कमाल की बल्लेबाजी इस मैच में सिकंदर के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, सामने की तरफ सीधा खेला, गेंदबाज ने अपनी बाईं तरफ छलांग मार के इस गेंद को फील्ड कर लिया, और इन दोनों बल्लेबाजों को रन लेने का कोई मौका इस दूसरी गेंद के ऊपर नहीं देंगे बैरी मकार्थी। पहली गेंद पे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर छक्का मारा था, दूसरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आया क्योंकि गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया था। 2 छक्के दोस्तों सिकंदर रजा ने इस मैच में मारे हैं, जिसमें 5 चौके भी दोस्तों सिकंदर रजा के नाम जो हैं इस मुकाबले के अंदर शामिल नजर आ रहे हैं। अगली गेंद बैरी मकार्थी की तरफ से, दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा तैयार नजर आ रहे हैं 61 रन बना के 39 गेंदों का सामना करने के बाद। बैरी मकार्थी की ये अगली गेंद, शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट, थर्ड मैन ऑफ स्टंप पर डाली हुई एक लेंथ डिलीवरी, इनसाइड आउट शॉर्ट, गेंद बहुत ऊंची गई है, वहां फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन पूरा कर लेंगे, 2रा रन पूरा कर चुके हैं, 3रा रन भागने की कोशिश, और ये डायरेक्ट हिट मारने की आवश्यकता थी लेकिन डायरेक्ट हिट लग नहीं पाई है, और 3रा रन भी दोस्तों क्लाइव मडांडी और सिकंदर रजा ने पूरा कर लिया है। इन 3 रनों के साथ जिम्बाब्वे 119 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद इस लेंथ गेंद के ऊपर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे बल्लेबाज उतने बेहतरीन तरीके से, और 3 रन भागने में कामयाबी हासिल कर ली। 3रे रन के ऊपर हिचकिचा रहे थे मडांडी, लेकिन सिकंदर रजा ने दोस्तों शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दिखा के 3रा रन भी पूरा करके जिम्बाब्वे को 119 पे पहुंचा दिया। अब केवल रिक्वायर्ड रेट दोस्तों 8.5 का हो चुका है, 10.5 से अब घटकर 8.5 का हो चुका है। मडांडी तैयार हैं बैटिंग में, 6 गेंदों में 7 रन बना के दोनों के बीच 12 गेंदों में 22 रनों की भागीदारी हो गई है। रिक्वायर्ड रेट 8.29, करंट रन रेट 7.21 का चलता हुआ इस समय जिम्बाब्वे के लिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, और मडांडी के लिए शॉर्ट बॉल, पुल मार दिया, गेंद स्क्वेयर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां इंतजार कर रहे हैं, और वो केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे क्योंकि गेंद स्क्वेयर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में एक और छक्का मडांडी के बल्ले से। बैरी मकार्थी की ये शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी कमर की ऊंचाई भर, इंतजार किया बल्लेबाज मडांडी ने, और मडांडी ने इस गेंद को फिलहाल स्वाद छकाया स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर। दर्शक दीर्घाओं में खेलकर ये 6 रन के साथ ही जिम्बाब्वे 125 रनों के ऊपर पहुंची 5 विकेटों के नुकसान के बाद। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आप लोग ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो। मडांडी तैयार नजर आ रहे हैं, दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ उठी है, एक और शॉर्ट बॉल, दोबारा से पुल कर दिया, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास इस गेंद को पकड़ पाने का, स्क्वेयर लेग और मिड विकेट बाउंड्री के बीच बहुत लंबा गैप मौजूद था, और इस शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी के ऊपर मडांडी ने पुल करके डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चौका खेल दिया है। पहले छक्का और अब चौका, प्रेशर किस पे है? अब गेंदबाजों पे है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अब यहां से 19 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट है वो अब दोस्तों बराबरी का हो चुका है,
रिक्वायर्ड रेट अब 6 रन्स प्रति ओवर के हिसाब से केवल और केवल इस मैच में चाहिए। कभी कभी कहा जाता है कि अपने एग्रेशन को दोस्तों अपने पास रखें, क्योंकि जिस तरीके से आज इस मैच में बल्लेबाजी की है दोस्तों ये दिखा रहे हैं, अगर वो गलतियां नहीं हुई होती। आयरलैंड की टीम की तरफ से शॉर्ट बॉल दोबारा से पुल कर दिया, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है। यहाँ जब तक इस गेंद को डीप से फील्डर फील्ड करता थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया। जिम्बाब्वे 130 रन्स पे 5 विकेट्स हो चुके हैं, 130 रन्स पे 5 विकेट्स 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद, यानी कि अब यहाँ से दोस्तों केवल 18 गेंदों का खेल और मौजूद नजर आ रहा है। 18 गेंदें यानी कि दोस्तों करीब करीब आप देख सकते हैं सिकंदर रजा 64 रन्स बनाकर खेल रहे हैं, 18 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। आसान नहीं होगा ये मैच के अंदर दोस्तों जीत दर्ज कर पाना, लेकिन मुश्किल भी नहीं होने वाला है। अब यहाँ से एक आसान से जीत जो है वो मुझे अब नज़र आ रही है इस टीम के लिए। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और दबा दीजिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन के बटन को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र दोस्तों हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब, 2,77,500 सब्सक्राइबर्स पे हम पहुंच जाएंगे। 2,77,499 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो जल्दी से आप में से एक और मित्र सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक करने के बाद दोस्तों अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। जो जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के बाद अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी जल्दी। पहली गेंद पैरों पर आती हुई ओवर द विकेट से और नए ओवर की शुरुआत की, पहली गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन दौड़ेंगे। दूसरे का कॉल किया है, जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने 2रन भी पूरा कर लिया है। तो जोशुआ लिटिल आ गए हैं नए ओवर की शुरुआत पे, पहली गेंद पे 2 रन्स बटोरे बल्लेबाज मंडांडी ने। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। 17 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। वो जोशुआ लिटिल और सिकंदर रजा के बीच दोस्तों वो फाइट हुई थी। ओ हो तेज गेंद थी, बीट किया बल्ले के इनसाइड एज को छोड़कर गेंद सीधा लेग स्टंप के डंडों को टकरा गई है, और जिम्बाब्वे के मडांडी जो कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो बोल्ड आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई ये गेंद थी, सामने की तरफ इस शॉट को खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहां कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद जाकर सीधा लेग स्टंप के डंडों को टकरा गई, और गेंद जाकर दोस्तों स्टंप्स पर टकराने की वजह से ये इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 132 रनों के ऊपर इस मैच में ये 6ठा विकेट गंवा दिया है इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। तो ये बड़ा झटका, और इस बड़े झटके के साथ ही जिम्बाब्वे 132 रन्स 132 पे 6 विकेट्स। अभी भी इस ओवर में 4 और गेंदें मौजूद हैं, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग दबाइए, क्योंकि अगली गेंद लेकर आने के लिए जोशुआ लिटिल की गेंदबाजी पर तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। नए बल्लेबाज दाएं हाथ के लुक जोंगवे जो कि आज गेंदबाजी नहीं किए हैं, लेकिन अब दोस्तों इनको बल्लेबाजी के अंदर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प हो चुका है इस मैच में किस तरीके का ये प्रदर्शन जो है वो करेंगे इस मैच में। तो जोशुआ लिटिल आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए। बैटिंग क्रीज के ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो तैयार नज़र आ रहे हैं दाएं हाथ के लुक जोंगवे। जोंगवे के लिए इस ओवर की तीसरी गेंद आती हुई लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, और इस गेंद को बल्लेबाज ने यॉर्कर लेन की गेंद को सामने की तरफ केवल और केवल बल्ले को लगा दिया, गेंद बल्ले पर टकरा के मिड ऑफ के पास पहुंच गई, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर यह डॉट बॉल आ गया है, इस डॉट बॉल के साथ स्कोर 132 रन्स 6 विकेटों के नुकसान के बाद। आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को आप लोग भी दबाइए, फटाफट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज, बैटिंग क्रीज के ऊपर ये खिलाड़ी तैयार नजर आते हुए। बाएं हाथ से फुलर लेन डिलीवरी मिडिल लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी और सीधा शॉट लगा दिया बल्लेबाज ने, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के मिड ऑन के पास पहुंच गई। ओवर की फिलहाल 4थी गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हो गए हैं, और इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने हम देख पा रहे हैं दोस्तों जो है वो रोटेट कर ली है।
अगली गेंद आ रहे हैं लेकर बैटिंग क्रीज के ऊपर जो है दोस्तों वो बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। बाएं हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाज लेकर आते हुए इस ओवर की अगली गेंद को बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देख पा रहे हैं बल्लेबाज इस ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल के ऊपर तैयार नजर आ रहे हैं सिकंदर रजा। शॉर्ट गेंद थी, पैरों पर फ्लिक किया ऑन साइड में, गेंद बल्ले पर टकराई मिडॉन की दिशा में पहुंची। जब तक इस गेंद को मिडॉन का फील्डर वहां फील्ड करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए ये एक रन पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे 134 पे 6 हैं 17 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद। 18वें ओवर की दोस्तों ये आखिरी गेंद सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर दाएं हाथ के लुक जोंगवे तैयार नजर आ रहे हैं जिन्होंने दो गेंदों में एक रन अब तक इस मैच में बनाया है। तो एक रन अब तक बनाया है लुक जोंगवे ने और सिकंदर रजा 65 रन बना के 41 गेंदों का सामना करने के बाद इस खेल के अंदर फिलहाल इन्होंने अब तक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जोशुआ लिटिल की ऑफ स्टंप के बाहर ये फुलर लेन डिलीवरी, रन आउट नहीं होंगे। डायरेक्ट हिट मारनी थी दोस्तों मिड ऑफ से लेकिन डायरेक्ट हिट वहां मारने में असफल रहे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेज गति से ये एक रन पूरा कर लिया है। एक रन के साथ जिम्बाब्वे 135 6 विकेटों के नुकसान के बाद 18 ओवरों का खेल इस मैच में हो गया है समाप्त। 18 के बाद जिम्बाब्वे 135 पे 6 और ये ओवर की समाप्ति हो गई है। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 135 पे 6 विकेट्स, जोशुआ लिटिल का चौथा ओवर समाप्त, 12 गेंदों में 13 रनों की और आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए चाहिए। तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहिएगा क्योंकि 18 ओवर्स के खेल की समाप्ति हो गई है। 18 ओवर्स के खेल की समाप्ति के बाद अब अगला ओवर शुरू करने के लिए दोस्तों जोशुआ लिटिल ने अपने 4 ओवर के स्पेल को अब समाप्त कर दिया है। जोशुआ लिटिल के 4 ओवर के स्पेल की जो है वो अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों समाप्ति जो है वो ऑलरेडी हो गई है। तो जोशुआ लिटिल के इस ओवर की समाप्ति के बाद अब हम देख पा रहे हैं फिलहाल जो है वो नज़र आता हुआ दोस्तों स्कोर 135 रन और 135 रनों के ऊपर 6 विकेटें गई हुई हैं। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाज तैयार। ओहो शॉर्ट बॉल मार्क अडेयर की बाउंसर गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है और एक बहुत ही सरल सा कैच पकड़ लिया है विकेट के पीछे। जिम्बाब्वे 135 पे गवाता हुआ ये अपना 7वां विकेट। पुल मारने की कोशिश इस नए ओवर की पहली गेंद पर और बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच गई। ये मैच बहुत ज़्यादा रोमांचक क्षणों पे दोस्तों पहुंच गया है और इतना ज़्यादा रोमांचक हो चला है ये मुकाबला यहाँ से कि दोस्तों अब ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि आखिरकार ये मैच में कौन सी टीम जो है वो अब जीतने जा रही है। अगली गेंद आ रहे हैं लेकर बैटिंग क्रीज के ऊपर ये खिलाड़ी तैयार। देखते हैं दोस्तों इस ओवर की अगली गेंद पे कहाँ खेलने वाले हैं इस शॉट को। बैटिंग पे मौजूद आ गए हैं ग्वांडू। जी हाँ दोस्तों ग्वांडू बैटिंग के ऊपर आ चुके हैं जिन्होंने आज गेंदबाजी के साथ खूब जौहर बिखेरे हैं, बहुत सारे रन्स देखे। तो ग्वांडू मिडिल स्टंप का गार्ड ले रहे हैं और देखते हैं दोस्तों ग्वांडू जो हैं वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं इस मैच में। ग्वांडू आज एक अच्छा प्रदर्शन दोस्तों करने की ज़रूर उम्मीद कर रहे होंगे। क्या ग्वांडू दोस्तों इस मैच में कुछ कमाल कर पाएंगे, आइए देखते हैं। नए ओवर की शुरुआत दाएं हाथ से ओवर द विकेट से ये पहली गेंद आती हुई लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी। मिडल लेग स्टंप की लाइन की गेंद को सीधा मिड ऑन की तरफ खेला, एक रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट मारने की आवश्यकता थी लेकिन डायरेक्ट हिट मार नहीं पाए और सिकंदर रजा को स्ट्राइक इन्होंने दे दी है। तो ग्वांडू को जो कार्य के लिए यहाँ पर लाया गया था वो कार्य इन्होंने पहली ही गेंद पर कर दिया है और एक रन इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों दौड़कर पूरा कर लिया है। तो जिम्बाब्वे 136 पर 7 हैं। अगली गेंद लेकर चल रहे हैं दाएं हाथ के मार्क अडेया। इस ओवर की तीसरी गेंद बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों सिकंदर रजा जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए।
सिकंदर रजा 65 रन बना के 41 गेंदों का सामना किया है सिकंदर रजा ने। मार्क अडेयर की इस ओवर की अगली गेंद, बैटिंग क्रीज के ऊपर दाएं हाथ के सिकंदर रजा तैयार, फुलर लेंथ डिलीवरी, लेग स्टंप की लाइन पर बहुत ज़्यादा बाहर ये गेंद, इतनी ज़्यादा बाहर ये गेंद कि अंपायर ने यह वाइड बॉल का इशारा करार दिया। 137 पे 7 है जिम्बाब्वे, 18 ओवर्स और 2 गेंदों के खेल की समाप्ति पर। मार्क अडेयर ने 3.2 गेंदों में 34 रन दिए हैं अब तक, एक सफलता अब तक मार्क अडेयर को इस मैच में मिली है। जहां ये अगली गेंद लेके चल रहे हैं सिकंदर रजा को मार्क अडेयर इस ओवर की तीसरी गेंद। ओ धीमी गति की गेंद, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एकमात्र फील्डर मौजूद थे और वो भी पॉल स्टर्लिंग को ये एक आसान सा कैच दे दिया है। सिकंदर रजा 42 गेंदों में 65 रनों की पारी खेलकर अपनी विकेट गवाकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। धीमी गति की ये गेंद थी ऑफ स्टंप पर, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज सिकंदर रजा की तरफ से। सिकंदर रजा गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए जिस तरीके से चाहते थे और गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथों में दे दिया है और जिम्बाब्वे ने 137 रनों के ऊपर ये 8वीं विकेट गवा दी है, बहुत बड़ी विकेट। सिकंदर रजा नाखुश नजर आ रहे हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि रिचर्ड एंगवारा को समझाते हुए इस समय सिकंदर रजा बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों को बाएं हाथ के रिचर्ड एंगवारा और दाएं हाथ के यहाँ गुआंडू बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वांडू और उनके साथ दोस्तों रिचर्ड एंगवारा, ये हैं दोनों क्रीज पे। 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है। जब तक मैच की दोस्तों आखिरी गेंद ना डाल दी जाए तब तक ये मैच ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इस गेंद के ऊपर मुझे लगता है कि दोस्तों अगली 3 गेंदों में कम से कम एक चौका रिचर्ड एंगवारा मारने वाले हैं। फील्डिंग की सजावट एक बार आप लोगों को बता दें, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर के पास, एक पॉइंट के पास, एक स्क्वेयर लेग के पास, फाइन लेग स्क्वेयर लेग बाउंड्री पे मौजूद हैं और ये अगली गेंद मार्क अडेयर दौड़ने के लिए आ रहे थे लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे, इसी वजह से गेंदबाज मार्क अडेयर ने ये गेंद डाली ही नहीं। मार्क अडेयर ने धीमी गति की गेंद के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी थी, वो शॉट मारने की कोशिश इनसाइड आउट शॉट और सीधा कैच को दे दिया था। फिलहाल पिछले ओवर के इसी ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज सिकंदर रजा ने धीमी गति की गेंद ऑफ कटर की तरह स्लॉग स्वीप करने की कोशिश रिचर्ड एंगवारा की तरफ से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। और आप लोगों को याद दिला दें, मार्क अडेयर आयरलैंड के खिलाड़ी बन गए हैं 72 मैचेस में 100 विकेट पूरे करने वाले, दूसरे सबसे तेज T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज। पहले नंबर पर राशिद खान 53 मैचेस में, लसित मलिंगा 76 मैचेस में नंबर 3 पे और नंबर 4 पे इस सोडी हैं। इस गेंद पे चौका या छक्का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक था जिम्बाब्वे के लिए। दौड़ना शुरू किया मार्क अडेयर ने ओवर द विकेट से, शॉर्ट बॉल थी, इस गेंद के पास सामने मारा है लेकिन मिड ऑफ के पास फील्डर मौजूद हैं और मिड ऑफ का फील्डर आगे की तरफ आके जब तक फील्ड करता थ्रो करता दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे 138 पे 8। याद होगा आप लोगों को गुआंडू ही वो गेंदबाज थे जो आखिरी ओवर में 20 या 25 रन पिटवाए थे और अब गुआंडू को दोस्तों कुछ उसी तरीके की बल्लेबाजी कर दिखानी होगी इस मैच में, क्योंकि गुआंडू जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की थी आखिरी में उसी तरीके से दोस्तों धुनाई करनी होगी इनको आखिरी ओवर के अंदर, जो भी आएगा गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेके। इस ओवर की आखिरी गेंद लेके चलने के लिए तैयार दाएं हाथ के मार्क अडेयर। ओवर द विकेट से ये पैरों पर आती हुई गेंद गुआंडू के लिए, गुआंडू ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और गुआंडू ने सिंगल पूरा कर लिया है। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया और गुआंडू ने स्ट्राइक अपने पास दोस्तों जो है वापस रख ली है। तो अच्छा प्रदर्शन दोस्तों गुआंडू की तरफ से, एक सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता, आखिरी ओवर कौन डालेगा दोस्तों इस समय आयरलैंड के लिए ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि दोस्तों कहीं ये सुपर ओवर में हम इस मैच के अंदर ना बढ़ जाएं। 139 पे 8 है जिम्बाब्वे 19 ओवरों के खेल की समाप्ति पर। 6 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता जिम्बाब्वे को चाहिए। बैटिंग पे मौजूद हैं ट्रेवर वेस्ली गुआंडू,
और दूसरी तरफ आप लोगों को मौजूद हैं रिचर्ड एंगवारा। आखिरी ओवर शुरू होता हुआ और बैरी मकार्थी दोस्तों आ रहे हैं इस नए ओवर की शुरुआत के ऊपर। धीमी गति की गेंद, पुल मारने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। नाम बड़े ग्वांडू के, दर्शन छोटे दोस्तों इस समय ग्वांडू के। जिस तरीके की खराब गेंदबाजी की थी उतनी ही खराब ये बल्ला भांज रहे हैं। आंखों को खोलकर बल्ला भांजेंगे तो शायद चौके छक्के लग सकते हैं, लेकिन ग्वांडू साहब को आंख खोलकर यहां पर खेलना पड़ेगा। आंखों को बंद करके दोस्तों बल्ला भांजेंगे तो एक आध शॉट लग सकता है, हर गेंद नहीं लगेगी। अगली गेंद बारी मकार्थी की, सामने दाएं हाथ के गांडू तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। ये गांडो के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद, शॉट थी, धीमी गति की, वापस बैक टू द बॉलर, उठा का मारा गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। एक रन पूरा करेंगे, दूसरा रन पूरा करने की कोशिश, और ये दूसरा रन भी पूरा करने में कामयाब हो गए हैं इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। चार गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। ग्वांडो खेल रहे हैं 4 गेंदों पे 4 रन बना के। 4 गेंदे मौजूद हैं, 7 रनों की आवश्यकता जिम्बाब्वे को। और देखते हैं दोस्तों ग्वांडू की बात करते हैं तो इस समय 4 गेंदों के ऊपर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो ग्वांडू की लिए इस ओवर की तीसरी गेंद बारी मकार्थी की तरफ से ओवर द विकेट से। ग्वांडू तैयार, शॉर्ट बॉल, पुल मारा, मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल। दूसरा रन भागना चाहते हैं लेकिन नहीं भाग पाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा थ्रो दोस्तों डीप से आया। मिलेगा मात्र और मात्र एक और सिंगल। 3 गेंदें रह गई हैं बाकी, 3 गेंदों में चाहिए एक छक्का, चाहे वो आपको रिचर्ड एंगवारा मारे, चाहे वो वेस्ली गांडू मारे। तो दोस्तों देखते हैं आखिरी की 3 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। हाथ के बल्लेबाज रिचर्ड एंगवारा, ये इनकी गेंद अगर पाले में आ जाए और गेंद अगर कनेक्ट हो जाए तो दोस्तों गेंद इधर उधर नहीं गिरेगी। हमने देखा है रिचर्ड एंगवारा को दोस्तों पिछले ही साल या इसी साल की शुरुआत में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। बल्ला भांजते हैं तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरती है। चलिए देखते हैं, दाएं हाथ से राउंड द विकेट से आ रहे हैं बारी मकार्थी। बैटिंग क्रीज के ऊपर ग्वांडू तैयार, शॉर्ट ऑफ फाइन लेग बाउंड्री का और डीप स्क्वायर लेग के थोड़ी सी बगल में गेंद निकाल दिया है और गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। रिचर्ड एंगवारा के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका और ये निर्णायक चौका दोस्तों इस मैच के अंदर। अब आखिरी की 2 गेंदे, 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी तरफ ग्वांडू जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ग्वांडू को दोस्तों सीखना चाहिए इस समय रिचर्ड एंगवारा से कि किस तरीके से शॉट मारा जाता है। ग्वांडू 5 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे हैं, रिचर्ड एंगवारा 3 गेंदों में 5 बना चुके हैं। तो ग्वांडू को अगले मैच में मुझे लगता है कि आराम दिया जाएगा, लेकिन आज दोस्तों ग्वांडू बस सिंगल और डबल पूरा कर लें। फील्डिंग में बदलाव किया जाता हुआ, एक बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर लगाया जा रहा है, एक मिड ऑफ के पास फील्डर 30 गज के घेरे में, एक एक्स्ट्रा कवर के पास फील्डर लगाया जाता हुआ, एक मिड ऑन पर फील्डर लगाया जाता हुआ, एक शॉट मिड विकेट के पास फील्डर लगाया जा रहा है। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद आती हुई, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे तो हम 1000 लाइक्स पे पहुंच जाएंगे। 999 दोस्तों ने इस वीडियो को अब लाइक कर दिया है। डीप मिड विकेट बाउंड्री, स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, ये 3 फील्डर लेग साइड में, और ये बारी मकार्थी दौड़ना शुरू कर रहे हैं ओवर द विकेट से। शॉर्ट बॉल थी, स्लैश किया, गेंद बल्ले के टॉप एज पे लगी और एक शानदार कैच शॉट थर्ड मैन के ऊपर, क्या पकड़ लिया गया है। लग तो रहा है कि दोस्तों शॉट थर्ड मैन के ऊपर ये कैच पकड़ लिया गया है मार्क अडेयर के द्वारा, लेकिन इस कैच पकड़ने में मार्क अडेयर जो है दोस्तों वो चोटिल हो गए हैं। स्लैश किया था रिचर्ड एंगवारा ने, गेंद बल्ले पर टकराने के बाद शॉट थर्ड मैन के ऊपर खड़े फील्डर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा अपनी बाई तरफ जाके, और एक शानदार कैच पकड़ने के साथ ही जिम्बाब्वे ने अब अपनी 9वीं विकेट भी गंवा दी है। लेकिन क्या कैच था भाई साहब, हेलीकॉप्टर शॉट चलाया था इस बार बल्लेबाज ने, और बहुत सुंदर कैच, लाजवाब कैच वहां मार्क अडेयर के द्वारा, और जिम्बाब्वे 146 पर 9 19.5 गेंदों की समाप्ति पे। आखिरी बल्लेबाज आ गए हैं अब जिम्बाब्वे की तरफ से बैटिंग के अंदर, और ये है ब्लेसिंग मुजरबानी। क्या ब्लेसिंग मुजरबानी दोस्तों टीम को अपनी ब्लेसिंग देने में कामयाब हो पाएंगे, तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए,
चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों 999 दोस्तों ने अभी इस वीडियो को लाइक कर रखा है। तो जल्द से जल्द आप में से एक और मित्र फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम 1000 लाइक्स पे पहुंच जाएं। लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाइक करने वाले दोस्तों में प्रशांत जी ने किया है, प्रथम जी ने किया है, रिया जी ने कर दिया है, तमिल क्रिक जी ने कर दिया है, सबीर जी ने कर दिया है, रिया खत्म जी ने कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। चलिए दोस्तों, कहीं हम सुपर ओवर की तरफ इस मैच के अंदर ना चले जाएं, क्योंकि सुपर ओवर होना तय नजर आ रहा है अगर एक रन ले लिया तो। चलिए, आखिरी गेंद मार्क अडेयर ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं ये शानदार कैच पकड़ने के बाद, क्योंकि वो जब नीचे गिरे थे दोस्तों तो उनके कमर पे जो है वो दर्द आ गया था, यानी कि उनका पूरा भार जो था वो कमर के ऊपर फिलहाल गिरे और इसी वजह से उनको चोट लग गई है, मांसपेशियों में उनके खिंचाव आ गया है। और दाएं हाथ के ब्लेसिंग मुजरबानी बैटिंग क्रीज के ऊपर दोस्तों तैयार, और ये ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कप्तान पॉल स्टर्लिंग बातचीत कर रहे हैं बैरी मकार्थी के साथ। मैच की आखिरी गेंद, एक रन की आवश्यकता, बैटिंग में ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार हैं, और इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी तैयार नजर आ रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों चैनल को, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम आपके साथ लाइव आएं आगे से दोस्तों, तब आप लोगों को हर मैच का नोटिफिकेशन मिलेगा। आखिरी गेंद बैरी मकार्थी की आती हुई, एक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक स्वीपर कवर और एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट मिड विकेट, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, डीप स्क्वेयर लेग पे फील्डर मौजूद, सिंगल बचाने की कोशिश ब्लेसिंग मुजरबानी के लिए। इस मैच की दोस्तों आखिरी गेंद आती हुई, अगर सिंगल भागेंगे तो ये सुपर ओवर में चला जाएगा मुकाबला, अगर यहाँ डबल भागते हैं तो ये मैच जिम्बाब्वे जीत जाएगी, अगर कोई रन नहीं आता है तो आयरलैंड जीत जाएगी इस मुकाबले को। उठाकर मारने की कोशिश, इनसाइड एज, गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, विकेट कीपर से ये मिस फील्डिंग हो गई, बाई के रूप में 2 रन पूरे कर लिए हैं जिम्बाब्वे ने, और इसी के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने इस मुकाबले को एकमात्र विकेट से जो है दोस्तों वो जीत लिया है। शानदार जीत जिम्बाब्वे के नाम, और बहुत ही खराब विकेट कीपिंग दोस्तों इस आखिरी गेंद के ऊपर विकेट कीपर लॉरकेन टक्कर ने कर ली, और लॉरकेन टक्कर की इस आखिरी गेंद के ऊपर मिस फील्डिंग की वजह से जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले के अंदर बाजी मार लिया है। महज और महज एक विकेट से, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑफ मार्जिन से ये मैच, जवाब स्ट्रो, किसी के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोक पाने का। बैरी मकार्थी अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करने आए, धीमी गति की गेंद डाली थी और इस धीमी गति की गेंद के ऊपर बल्लेबाज नीचे की तरफ बैठ गए और स्कूप कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर। दर्शक दीर्घा में आधे दर्जन रन बल्लेबाज को इस गेंद के ऊपर मिल गए, कमाल का ये स्ट्रोक। इस छक्के के साथ ही प्रेशर दोस्तों अब आयरलैंड पर आ चुका है वापस, क्यों? क्योंकि अब आयरलैंड की टीम जो है वो केवल 32 रन डिफेंड करने हैं 23 गेंदों के ऊपर। मकार्थी की दूसरी गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा के लिए, कमाल की बल्लेबाजी इस मैच में सिकंदर के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, सामने की तरफ सीधा खेला, गेंदबाज ने अपनी बाईं तरफ छलांग मार के इस गेंद को फील्ड कर लिया, और इन दोनों बल्लेबाजों को रन लेने का कोई मौका इस दूसरी गेंद के ऊपर नहीं देंगे बैरी मकार्थी। पहली गेंद पे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर छक्का मारा था, दूसरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आया क्योंकि गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया था। 2 छक्के दोस्तों सिकंदर रजा ने इस मैच में मारे हैं, जिसमें 5 चौके भी दोस्तों सिकंदर रजा के नाम जो हैं इस मुकाबले के अंदर शामिल नजर आ रहे हैं। अगली गेंद बैरी मकार्थी की तरफ से, दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर रजा तैयार नजर आ रहे हैं 61 रन बना के 39 गेंदों का सामना करने के बाद। बैरी मकार्थी की ये अगली गेंद, शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट थर्ड मैन ऑफ स्टंप पर डाली हुई एक लेंथ डिलीवरी, इनसाइड आउट शॉर्ट गेंद बहुत ऊंची गई है, वहां फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन पूरा कर लेंगे, 2रा रन पूरा कर चुके हैं, 3रा रन भागने की कोशिश, और ये डायरेक्ट हिट मारने की आवश्यकता थी लेकिन डायरेक्ट हिट लग नहीं पाई है,
और तीसरा रन भी दोस्तों क्लाइव मडांडी और सिकंदर रजा ने पूरा कर लिया है। इन तीन रनों के साथ जिम्बाब्वे 119 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद इस लेंथ गेंद के ऊपर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे बल्लेबाज उतने बेहतरीन तरीके से और तीन रन भागने में कामयाबी हासिल कर ली। तीसरे रन के ऊपर हिचकिचा रहे थे मडांडी, लेकिन सिकंदर रजा ने दोस्तों शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दिखा के तीसरा रन भी पूरा करके जिम्बाब्वे को 119 पे पहुंचा दिया। अब केवल रिक्वायर्ड रेट दोस्तों 8.5 का हो चुका है, 10.5 से अब घटकर 8.5 का हो चुका है। मडांडी तैयार हैं बैटिंग में, 6 गेंद में 7 रन बना के दोनों के बीच 12 गेंद में 22 रनों की भागीदारी हो गई है। रिक्वायर्ड रेट 8.29, करंट रन रेट 7.21 का चलता हुआ इस समय जिम्बाब्वे के लिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं और मडांडी के लिए शॉर्ट बॉल पुल मार दिया गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां इंतजार कर रहे हैं और वो केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे क्योंकि गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में एक और छक्का मडांडी के बल्ले से। पैरी मकार्थी की यह शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी कमर की ऊंचाई भर, इंतजार किया बल्लेबाज मडांडी ने और मडांडी ने इस गेंद को फिलहाल स्वाद छकाया स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर। दर्शक दीर्घाओ में खेलकर ये 6 रन के साथ ही जिम्बाब्वे 125 रनों के ऊपर पहुंची 5 विकेटों के नुकसान के बाद। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आप लोग ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो। मडांडी तैयार नजर आ रहे हैं, दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। एक और शॉर्ट बॉल दोबारा से पुल कर दिया, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास इस गेंद को पकड़ पाने का। स्क्वेयर लेग और मिड विकेट बाउंड्री के बीच बहुत लंबा गैप मौजूद था और इस शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी के ऊपर मडांडी ने पुल करके डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चौका खेल दिया है। पहले छक्का और अब चौका, प्रेशर किस पे है? अब गेंदबाजों पे है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब यहां से 19 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट है वो अब दोस्तों बराबरी का हो चुका है। रिक्वायर्ड रेट अब 6 रन्स प्रति ओवर के हिसाब से केवल और केवल इस मैच में चाहिए। कभी कभी कहा जाता है कि अपने एग्रेशन को दोस्तों अपने पास रखें, क्योंकि जिस तरीके से आज इस मैच में बल्लेबाजी की है दोस्तों ये दिखा रहे हैं, अगर वो गलतियां नहीं हुई होती। आयरलैंड की टीम की तरफ से शॉर्ट बॉल दोबारा से पुल कर दिया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। यहां जब तक इस गेंद को डीप से फील्डर फील्ड करता थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा कर लिया। एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया। जिम्बाब्वे 130 रन पे 5 विकेट्स हो चुके हैं, 130 रन पे 5 विकेट्स 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद, यानी कि अब यहां से दोस्तों केवल 18 गेंदों का खेल और मौजूद नजर आ रहा है। 18 गेंदें यानी कि दोस्तों करीब करीब आप देख सकते हैं सिकंदर रजा 64 रन बनाकर खेल रहे हैं, 18 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। आसान नहीं होगा ये मैच के अंदर दोस्तों जीत दर्ज कर पाना, लेकिन मुश्किल भी नहीं होने वाला है। अब यहां से एक आसान से जीत जो है वो मुझे अब नजर आ रही है इस टीम के लिए। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और दबा दीजिएगा दोस्तों नोटिफिकेशन के बटन को, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र दोस्तों हमारे चैनल को कर देगा सब्सक्राइब, 2,77,500 सब्सक्राइबर्स पे हम पहुंच जाएंगे। 2,77,499 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो जल्दी से आप में से एक और मित्र सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक करने के बाद दोस्तों अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। जो जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी जल्दी। पहली गेंद पैरों पर आती हुई ओवर द विकेट से और नए ओवर की शुरुआत की, पहली गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन दौड़ेंगे। दूसरे का कॉल किया है, जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाता दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। तो जोशुआ लिटिल आ गए हैं नए ओवर की शुरुआत पे, पहली गेंद पे 2 रन बटोरे बल्लेबाज मडांडी ने। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। 17 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। वो जोशुआ लिटिल और सिकंदर रजा के बीच दोस्तों वो फाइट हुई थी। ओ हो तेज गेंद थी, बीट किया बल्ले के इनसाइड एज को छोड़कर गेंद सीधा लेग स्टंप के डंडों को टकरा गई है और जिम्बाब्वे के मडांडी जो कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो बोल्ड आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई ये गेंद थी, सामने की तरफ इस शॉट को खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वहां कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद जाकर सीधा लेग स्टंप के डंडों को टकरा गई और गेंद जाकर दोस्तों स्टंप्स पर टकराने की वजह से
ये इस मुकाबले में। जिम्बाब्वे ने 132 रनों के ऊपर इस मैच में ये छठा विकेट गंवा दिया है इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। तो ये बड़ा झटका, और इस बड़े झटके के साथ ही जिम्बाब्वे 132 रन्स, 132 पे 6 विकेट्स। अभी भी इस ओवर में 4 और गेंदें मौजूद हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग दबाइए, क्योंकि अगली गेंद लेकर आने के लिए जोशुआ लिटिल की गेंदबाजी पर तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। नए बल्लेबाज दाएं हाथ के लूक जोंगवे, जो कि आज गेंदबाजी नहीं किए हैं, लेकिन अब दोस्तों इनको बल्लेबाजी के अंदर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प हो चुका है इस मैच में, किस तरीके का ये प्रदर्शन जो है वो करेंगे इस मैच में। तो जोशुआ लिटिल आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए। बैटिंग क्रीज के ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो तैयार नज़र आ रहे हैं, दाएं हाथ के लूक जोंगवे। जोंगवे के लिए इस ओवर की तीसरी गेंद आती हुई, लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, और इस गेंद को बल्लेबाज ने यॉर्कर लेन की गेंद को सामने की तरफ केवल और केवल बल्ले को लगा दिया। गेंद बल्ले पर टकरा के मिड ऑफ के पास पहुँच गई, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर यह डॉट बॉल आ गया है। इस डॉट बॉल के साथ स्कोर 132 रन 6 विकेटों के नुकसान के बाद। आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन के बटन को आप लोग भी दबाइए, फटाफट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं ये गेंदबाज, बैटिंग क्रीज के ऊपर ये खिलाड़ी तैयार नजर आते हुए। बाएं हाथ से फुलर लेन डिलीवरी, मिडिल स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी, और सीधा शॉट लगा दिया बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के मिड ऑन के पास पहुंच गई। ओवर की फिलहाल चौथी गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हो गए हैं, और इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने हम देख पा रहे हैं दोस्तों जो है वो रोटेट कर ली है। अगली गेंद आ रहे हैं लेकर बैटिंग क्रीज के ऊपर जो है दोस्तों वो बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। बाएं हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाज लेकर आते हुए इस ओवर की अगली गेंद को, और बैटिंग क्रीज के ऊपर हम देख पा रहे हैं बल्लेबाज इस ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल के ऊपर तैयार नजर आ रहे हैं सिकंदर रजा। शॉट गेंद थी, पैरों पर फ्लिक किया ऑन साइड में, गेंद बल्ले पर टकराई, मिड ऑन की दिशा में पहुंची। जब तक इस गेंद को मिड ऑन का फील्डर वहां फील्ड करता, थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए ये एक रन पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे 134 पे 6 हैं 17 ओवर्स और 5 गेंदों के बाद। 18वें ओवर की दोस्तों ये आखिरी गेंद, सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर दाएँ हाथ के लूक जोंगवे तैयार नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 2 गेंदों में 1 रन अब तक इस मैच में बनाया है। तो 1 रन अब तक बनाया है लूक जोंगवे ने, और सिकंदर रजा 65 रन बना के 41 गेंदों का सामना करने के बाद इस खेल के अंदर फिलहाल इन्होंने अब तक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जोशुआ लिटिल की ऑफ स्टंप के बाहर ये फुलर लेन डिलीवरी, रन आउट नहीं होंगे। डायरेक्ट हिट मारनी थी दोस्तों मिड ऑफ से, लेकिन डायरेक्ट हिट वहां मारने में असफल रहे, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेज गति से ये 1 रन पूरा कर लिया है। 1 रन के साथ जिम्बाब्वे 135 6 विकेटों के नुकसान के बाद 18 ओवरों का खेल इस मैच में हो गया है समाप्त। 18 के बाद जिम्बाब्वे 135 पे 6 और ये ओवर की समाप्ति हो गई है। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 135 पे 6 विकेट्स, जोशुआ लिटिल का चौथा ओवर समाप्त, 12 गेंदों में 13 रनों की और आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए चाहिए। तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और नोटिफिकेशन